दो देशों के बीच में वॉर यानी लड़ाई। कितनी बार हम अक्सर ये बातें बोल देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अरे लड़ाई कर दो, अटैक कर लो। कितनी बार ये बातें हम अक्सर अपनी नॉर्मल बातचीत की भाषा में भी बोल देते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो एरिया इफेक्ट होता है वहां पे क्या रियलिटी होती है, ये हम जैसे लोगों को दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप देश के किसी और कोने में बैठे हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक लड़ाई ना सिर्फ ज्योग्राफिकल चेंजेस लाती है, बल्कि जो फैमिली में जो चेंजेस होते हैं वो हमारी समझ से, सोच से कहीं परे हैं। 1971 की वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उस टाइम पे एक तरफ तो लड़ाई चल रही थी, जो लड़ाई बांग्लादेश बॉर्डर पे थी, लेकिन लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में, जम्मू एंड कश्मीर में भी चल रही। उसी का एक उदाहरण है भारत का थंग विलेज। थंग विलेज अगर आप कभी लद्दाख जाओगे तो आप पाओगे कि भारत का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है थंग विलेज, एंड आज की डेट में एक टूरिज्म स्पॉट है, बिकॉज वहां से आपको सीधा पाकिस्तान के गांव दिखते हैं। बस थोड़ा सा एक नदी है बीच में, शोक नदी, नदी के इस पार हम भारत हैं एंड उस पार पाकिस्तान है। पहाड़ की बात करें तो उस पहाड़ का जो बेस है वो भारत है और पहाड़ का जो टॉप है वो पाकिस्तान है। लेकिन ये तो होगी ज्योग्राफिकल बातें, लेकिन जब 1971 की वॉर हुई थी तो एक गांव भी डिवाइड हुआ, इस गांव की फैमिलिया भी आपस में डिवाइड हो गई थी। मोस्टली ऐसा हुआ था कि गांव के ज्यादा जो मेल लोग थे, मर्द लोग थे, वो रह गए थे इस तरफ, जो कि बाद में बन गया भारत। महिलाएं चली गई थी थोड़ी सी पीछे तरफ, जो बन गया था पाकिस्तान। इस गांव की अद्भुत कहानियां हैं एंड इस गांव से बहुत ही पॉपुलर बंदे जिनका नाम है गोबा अली जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है वो, मतलब पूरा लद्दाख उनकी इज्जत करता है, बिकॉज जो उन्होंने लद्दाख के लिए किया है, जो अपने गांव के लिए किया है, वो दैट इज द बिगेस्ट लेवल, एंड पूरा देश उसके लिए उसको नमन करता है। बहुत सारे अवार्ड्स इनसो नवाजे गए हैं डिफेंस मिनिस्टर द्वारा भी, एंड ओवरऑल ये एक लौते बंदे बने जो कि पाकिस्तान गए अपने माता पिता से मिलने, जो कि 1971 की वॉर में बिछड़ गए थे। इनके साथ हमने एक प्रॉपर पॉडकास्ट करा है, आप तक वो स्टोरीज साझा करने की कोशिश करी है, आप देखना, उन इमोशंस को फील करना। बात करते हुए मेरे तो खुद आंखों में आंसू आ गए थे। कमांडर विकास यादव सर थे जिन्होंने ओवरऑल पूरा इंटरेक्शन करा। ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है 1971 वॉर के लिए, जरूर देखना एंड तक एंड बताना कैसी लगी स्टोरी। सर अभी सबसे पहले सर मैं एक कहानी आपको सुनाते हैं। जब मैं पाकिस्तान था, मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान था, मैं तो अच्छा बिफोर स्टार्ट मैं ये भी कहूँगा, आई थिंक आप पूरे गांव में से अकेले बंदे हैं जो उधर जाके अपने गांव में गए, तो पूरे गांव एक रिगार्ड आई थिंक वापस जब आए होंगे पूरे गांव के सवाल होंगे कि कैसा रहा, कैसा लगा होगा, क्योंकि हर कोई ये आपसे जानना चाह रहा होगा कि हम जितना भी गए ना, जहाँ पे भी आप पूछोगे ना, हमने जैसे पूछा कि गोपाली जी का घर कहाँ पर रहते हैं, तो वो तो अकेले ऐसे इंसान है जो उधर अपने माँ बाप से मिल के आए, मतलब इतना कि दिखता सामने से आप देख सकते हो कि रास्ता इतना लंबा और कठिन है, मतलब पूरा वाघा बॉर्डर के थ्रू वीज़ा पासपोर्ट, अनडाउटेडली वो एक बंदर रडार में भी रहता है कि एजेंट ना हो, कुछ ना हो, ये सब भी रहता है। सर पहले आपके दिमाग में आया और ये कैसे है, मतलब हाउ डू स्टार्ट की मेरे को जाके मिल के आना है अपने माँ बाप से? सर ये सर ये लम्हा अभी मैं माँ बाप से मिलने वाली में एक लम्हा बता दूँ सर आपको क्या हुआ है। एक तो सबसे पहले सर मेरे जो बचपने का जो हालात अभी एक नाजुक हालात में रहा, अगर वो आपको कहें तो मैं उसी से ही मैं शुरू करते हैं। जब मेरा उम्र 5 साल और मेरे छोटा भाई को उम्र 2 साल की उम्र था, और 1971 को जो जंग हुआ है, तो उस जंग में क्या हुआ था सर कि मैं जब भी वीडियो बनाते हैं मैं हर वक्त सर मेरे हाथ उठ जाते हैं, ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। किस लिए उठ जाते हैं कि मैं कहते हैं इस देश के हिंदू को हम सलूट मारते हैं, इस देश के हिंदू को हम सलाम करते हैं। वो क्यों करते हैं, मैं सलाम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से सलाम नहीं कर रहा हूँ, इनको काम सलाम करवा रहा है।
है ना सर, अगर एक आदमी गलत करेंगे तो उसको बुरा वाला जो बोलवाते हैं। मैं को सर आपको 20 मिनट याद आ गया टॉपिक मैं आपको बता दूँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान का फोर्स का जो ज्यादती है वो आज भी देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये चलता है मशहूर है वर्ल्ड में मशहूर है। तो मुझे भी पता था यार मैं पाकिस्तान का फोर्स खामखा मुझे किसी ब्लेम में पकड़ भी सकते हैं या मुझे तंग भी कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में रहता था। ऐसा नहीं मुझे कोई तंग तो नहीं किया, फिर भी मैं रहता था। तो मैं कायद जो महफिल में बुलाया पाकिस्तान के अंदर कई फंक्शन में सर, आप यूट्यूब में गोपाल जी देखेंगे तो उसमें सारे मैंने वीडियो डाल रखा है, क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा गुजर गया। इससे पहले मैं थोड़ा डरता था क्योंकि मैं ये पाकिस्तान का कुछ गलतियाँ कमजोरियाँ मैं यूट्यूब में डाल देंगे फिर मेरे मम्मी पापा को उधर खामा खत्म करेंगे, मैं उसी डर से मैं वीडियो नहीं डालता था। अभी मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया। तो जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैं कहता था देखो भाई हमारा वहाँ पर हम पूरा इलाका मुसलमान है, हमारा फौज या हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है, मुसलमान तो नहीं, फिर भी हम अपना फौज से इतना मोहब्बत से रहते हैं, अपना फौज के साथ हम इतना प्यार से रहते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट तब मिलते हैं जब हमें कहीं बाढ़ आ जाते हैं या कहीं हमें मुसीबत हो जाते हैं या हमारे पास कुछ परेशानी आ जाते हैं, तो सीधा फौज आके हमें उनको अपने बच्चे की तरह हमें उठाते हैं। उस मुसीबत को हमें बिल्कुल हमें पता नहीं चलते हैं कि हमें एक मुसीबत आया था लेकिन फौज ने हमें उस मुसीबत को ऐसे चेंज कर दिया। हमारे वहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है, बल्कि वो हिंदू है हम मुसलमान हैं फिर भी हम इतना प्यार से रहते हैं। और रात को हमें कहीं परेशान हुआ, अभी देखिए सर कोई पेशेंट जैसे हमारे यहाँ पर अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया, नहीं तो सर इस गाँव में कोई बीमार हो जाता था तो उस तरफ ले जाते थे पोस्ट में, आर्मी के पोस्ट में, तो फिर वहाँ का सिपाही प्रेस्टमाल एक्सपेंट कुछ ना कुछ दवाई देता, देने के बाद फिर अगर आगे ले जाना हो तो फिर फौज मदद करके यहाँ से आगे ले जाता। फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो कई वाक़े है कि यहाँ से हिली में से यहाँ से सीधा दिल्ली सीधा चंडीगढ़ सीधा ले यहाँ से इलाज के लिए ले जाने का बहुत सारे रिकॉर्ड है। तो फिर मैं कहता था वहाँ पर लोगों को भाई देखो इस तरीके से आप भी अपने पाकिस्तानी फौज के साथ प्यार से रहो ताकि आप लोगों को भी हमारे तरफ फौज आपको फैसिलिटी दे। लेकिन वो प्यार देने का तो बात ही नहीं थी क्योंकि आपस में बनता नहीं था, नहीं बनने से सर जब बेटा फौज में बैठा है तो बाप जब बेटा गलत करेगा तो बाप बेटे को गाली देगा, तो ये माहौल था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरे इस देश के अंदर सर मैं आपको कहूँ तो क्या हुआ है, 1971 से मैं आपको बता दूँ कि मेरा पापा यहाँ बैठा था और ये गाँव सर बहुत दुखित गाँव है सर, बहुत ही दुखित गाँव। वो क्यों है कि इस गाँव के अंदर इस गाँव के पूरे मर्द यहाँ रह गया 1971 में, औरतें पूरा बाहर रह गया। वो कैसे रह गया सर, जैसे कि जब जंग शुरू हुआ तो पाकिस्तानी फौज ने लोगों को उकसाया, कहा कि आप हिंदू आने वाले सिख आने वाले तुमको खाएंगे मारेंगे, इस तरीके का जब आपको सुनाया तो वो क्या हो गए डर के मारे सर आप जरूर चुलुंगा गाँव जाइए, चुलुंगा नामी एक गाँव है वहाँ 800-900 हज़ार लोग रहता था, उन सबको पाकिस्तानी फौज ने भड़का कर सब गाँव छोड़ कर चला गया पाकिस्तान की फौज के पीछे पीछे। जब जाने के बाद अब तुर्क से एक आदमी भी नहीं गया, वजह यह था सर तुर्क से आदमी क्यों नहीं गया कि 1971 में से पहले 1947 में तुर्क प्रत्याशी के लोग आपका मसूरी में शिमला में आपका उसके बाद हिमाचल में काम करने के लिए जाता था अपने जवानी में, उन्होंने देखा बेसिकली इंडियन आर्मी को क्या है जी जी वही मैं कह रहा हूँ सर ये तो उन्होंने उनको पता था, पता होने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, भारत का मतलब दरिया कहते हैं, हिंदुस्तान बहुत अच्छे होते हैं हम कोई भी नहीं भागना है, हम हिंदुस्तान का स्वागत करना है। तो इस तरीके से एक आदमी भी घर नहीं छोड़ा, एक आदमी ने भी तुर्कू के अच्छे से घर नहीं छोड़ा, बल्कि हिंदुस्तानी फौज आने का स्वागत करके सर आगे 2-2.5 किलोमीटर आगे जाकर इंडियन आर्मी का स्वागत करके अपने गाँव में बुलाया है तुर्कू के अच्छी बाग में। उसके बाद सर अब ये गाँव तो छोटा गाँव था थम गाँव था, अब यहाँ के लोग भी जब तुलुंगा वाला भाग रहा था यहाँ के लोग भी भागना शुरू हो भागने लगा गाँव वाले। तो मेरे दादा उस वक्त मसूरी में काम करते थे शिमला में, तो फिर दादा को भी पता था कि हिंदू क्या होते हैं सिख क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से घर नहीं छोड़ेंगे, तुम जो भी जाना चाहते थे जाओ हम यहाँ से घर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मैं अपने दोनों भतीजे को यहाँ से जाने नहीं दूँगा। मेरे उम्र 5 साल सर, मेरे छोटा भाई की उम्र 2 साल में क्या किया सर 2 साल था, इतने में हमारे उन दोनों को गोद में पकड़ा और बोला तुम लोग जाओ मैं इन बच्चों को छोड़ूंगा। तो जब बच्चों को नहीं छोड़ा तो मेरे दादी और मम्मी सब फिर भी भाग गया, जब गाँव वाले सब भाग गया तो वो दोनों भी डर के मारे गाँव छोड़ के चला गया।
लेकिन मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा क्योंकि दो बच्चों को देखना था, दो बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए और उस दादे को खिलाने के लिए मेरे पापा यहाँ बैठा हुआ था। इतने में 18 दिसंबर के दिन एकदम पहुँच गया सर यहाँ इंजीनियर, यहाँ गांव में पहुँचा। पहुँचने के बाद लोगों ने काफ़ी प्रेस किया कि आगे चलो आगे चलो, लेकिन तब तक सस्पेंड हो चुका था। इंडियन आर्मी को इधर लास्ट पोर्टर पर था, आपका मोर्चा संभालना पड़ा, यहाँ बैठना पड़ा। जब इंडियन आर्मी यहाँ खड़ा हुआ तो आप उधर पाकिस्तान भी आके खड़ा हुआ। होने के बाद सर एकदम गया सर एल ओ सी, बनने के बाद वो एल ओ सी बहुत दुख वाला एल ओ सी बन गया सर, नया हो गई एल ओ सी, क्योंकि गाँव के एक एक लोग यहाँ बैठा हुआ था और मैक्सिमम रिश्तेदारी आप लोग उसी गांव में जो सामने एकदम। जी जी जी, नहीं आपके पापा फिर पापा तो इधर ही थे, पापा और दादा, मतलब सारी लेडीज उधर चली गई और जेंट्स सारे इधर रह गए। जी जी जी, और उसके बाद रियलाइज हुआ कि तो इंडियन आर्मी है, एक्चुअली सही मायने में तो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, इंडियन आर्मी। उसमें आपके गांव से कम से कम 30% लोग, 25 परिवार में 7 परिवार इंडियन आर्मी में है। उसमें अभी साउथ में है, उधर रिटायर होकर अपने रेस्टोरेंट खोला है। तो सर अभी तो क्या हुआ सर, मैं आपको बता दूं, तो फिर क्या हुआ है कि अभी आपने बोला मेरे पापा यहाँ था, बिल्कुल हाँ अभी उसी कहानी पे आ रहा हूँ, पापा यहाँ बैठा हुआ था। तो इतने में इंडियन आर्मी ने ये सोचा यार अब देखो ये किस तरीके से जिंदा रह सकते हैं बच्चों को बगैर, अब वहाँ पर वो औरतें कैसे जिंदा रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरीके से रहेंगे, ये चीज़ें सर जैसे आप कंपनी कमांडर था आपने महसूस किया, आपने वो महसूस नहीं किया, मैंने हिंदू को सलाम करते मैंने क्यों कहा, आपने वो महसूस नहीं किया ये लोग मुसलमान है दफा हो जाओ, ऐसा नहीं सोचा जी। ये महसूस किया यार बेचारे लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, किसी तरीके से इनको बुलाना पड़ेगा, किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करना पड़ेगा। ये सोच लेकर हाई कमांड को चिट्ठी लिखा सर, कर्नल उदय सिंह साहब का जमाना था इसको, हाई लेवल को चिट्ठी लिखा, बोला इस तरीके से ये गांव बहुत दर्दनाक गांव बन गया है, आगे हजारों लोग भाग गए, किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करके इनको वापस लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए बातचीत करके करीब 1.5 महीने के बाद सर ये बातचीत हो गया, बातचीत होकर एक कागज़ एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान के साथ। एग्रीमेंट होने के बाद वो एग्रीमेंट की चिट्ठी लेकर, एग्रीमेंट का लेटर लेकर यहाँ इस गाँव में पहुँचा इंडियन आर्मी के कर्नल रिंचन साहब और मेजर थापा साहब। यहाँ आने के बाद चिट्ठी दे दिया, बोला इस चिट्ठी को लेकर आप में से दो आदमी पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान को ये चिट्ठी दिखाओ और जितना जो पिछड़ा हुआ सब है उन सबको लेकर आओ। तो लेने के लिए अब यहाँ से दो आदमी तैयार होना था, उसमें से मेरे पापा को बोला आप पढ़ा लिखा था, मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मेरे पापा को बोला आप पढ़ा लिखा है आप चले जाओ, लेकिन मेरे दादा ने फुल मना किया, बोला ये जाएगा 12 बजे लंच इन बच्चों को कौन देगा, अगर ये जाएगा हो सकता है अभी वापस नहीं आया तो फिर रात को इन बच्चों को कौन सुलाएगा, कौन वो करेंगे। तो फिर भी उसके बाद कर्नल रिंचन साहब ने ये नहीं सोचा पाकिस्तान ऐसा सुलूक करेगा, तो फिर यहाँ से फ्लेक और उसके साथ क्या कहते हैं लेटर के साथ मेरे पापा को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया उनको लाने के लिए। जब वहाँ पहुँचा तो पूछने लगा यार इंडिया क्या था कैसा था, बोला इंडिया बहुत अच्छा था, ये था वो था, तो मेरे पापा को सर सीधा जेल में ला दिया, वापस नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा सर, नहीं बिल्कुल नहीं, बस 3-6 साल जेल में भी रखा है ना, वो भेजना तो उसके बाद वहीं पे छोड़ दिया जबकि वो तो हिंदुस्तानी थे। अब यही मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे जैसे हाँ अभी आप ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से सवाल भी पूछता है इस तरीके से पूछते, फिर बाद में कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, बाद में कुछ नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं तो मतलब इंडियन हमें यहाँ का हाई कमांड ये सोचना चाहिए था, हमने जो दो आदमी भेजा था उनको वापस क्यों नहीं दे रहा है, एक्शन तो लेना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ सर वो मुझे याद नहीं। तो सर अभी बहुत आई थिंक अब इतना टाइम चेंज हो गया है कि हर चीज़ का इतना अकाउंटेबिलिटी है, जैसे आई थिंक आप भी जब गए तो आप ऐसे टाइम पे गए जहाँ पे आपके ऐसे कुछ नहीं करते, लीगल तरीके से गए हैं, तो तब इतना प्रेशर है कि हमारा बंदा गया क्या रहा उसको क्यों नहीं आ रहा है, अब तो काफी चीज बदल गया। आप कब गए सर, कौन से ईयर में? 14 में गए सर, 2014-15 में वापस आए, तब तक थे आपके पेरेंट्स? जी 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 हाँ, तब तक माँ बाप से मिले जी, 15 ईयर्स तक आप यहाँ पे था, शिफ्टिंग नहीं बहुत तो आपके कोई भाई बहन इधर हैं? जी अभी वहाँ पर सर यहाँ दो बच्चा, एक्चुअल में सर मेरे मम्मी पापा का दो बच्चा था, बच्चों को छोड़कर पहले मम्मी और दादी निकल गया, जाने के बाद में पापा लाने के लिए भेजा, भेजने के बाद पापा भी वहाँ जेल में डाल दिया, तो कितना कितना 2-3 साल 2 साल असल में जासूस तो नहीं था, असल में वो लेटर लेके गया था, लेकिन इनको रोकने के लिए जासूस का नाम देकर मेरे पापा को वहाँ से वापस
आने नहीं दिया। तो अभी सर मैंने पहले भी शायद आपने सुना था, मैं कहता हूँ जालिम किसे कहते हैं, मजलूम किसे कहते हैं, हमें इसमें पहचान होनी चाहिए, हम और अपने बच्चों को भी ये समझिए। सर मेरे दादा बारह कहते थे सर, मैं ये प्यारे से बच्चों को मेरे ज़्यादातर ये कहते हैं, मेरे दादा कहते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत आते थे, हमें लोग पिटाते थे, हमें लोग ज्यादा करता था, मतलब बचपन में करेगा ही करेगा, करने के बाद वो एक जो लाइफ होती है बिना माँ बाप के वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो एक ही बॉर्डर डिस्प्यूट से वैसे अलग है कि जो बिना माँ बाप के बच्चा जैसे रेज हो रहा है गांव में, और उसमें टाइम से खाना पीना और बाकी सारी चीजें हैं, तो घर में सिर्फ दादा हैं और दो छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल और एक 2 साल, आप बताओ उनके ऊपर क्या बीतता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सर और एक मुसीबत था हमारे ऊपर, एक मुसीबत अलग से क्या था कि हमारा देखभाल हमारे ऊपर वो भी इंडियन आर्मी था, क्योंकि मेरे पापा को तो इंडियन आर्मी ने भेजा था, भेजने के बाद हमें राशन पानी तो देना ही पड़ा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ सर आज इंडियन आर्मी ने उनको राशन पानी देना पड़ा नहीं सोचा, हर किसी ने अपने बच्चे बनाए, हर किसी सिपाही ने अपने बच्चा बनाकर बच्चा समझकर, मेरे दादा को हर किसी सिपाही ने उसको अपना पापा समझकर पाल पोस किया सर, मेरे जिंदगी में मुझे याद है हर कोई सर। अभी मेरे दादा को क्या हुआ सर, पापा वहाँ से आना था, शाम हुआ नहीं आया, तो रात को सर उन दो बच्चों के साथ उस बूढ़े के ऊपर क्या गुजरा होगा आप अपने जगह सोच सकते हैं सर। तो अब उस बूढ़े के ऊपर जो गुजरने के बाद उस बूढ़े को मरहम के लिए, उस बूढ़े को दिल में बहलाने के लिए और कौन था, कोई नहीं था, कोई इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी सर उन बूढ़े को तसल्ली देता था, थोड़ी देर बाद आने वाला है, कल आने वाला है, इस तरीके से कल और थोड़ा देर करके मेरे दादा और हमारा जो देखभाल जो परवरिश जो कुछ किया मुझे सर इंडियन आर्मी ने जो करने के बाद, आज सर मेरे माँ क्या कहते थे सर जब हम पाकिस्तान गया तो, हाँ सर वो इंसिडेंट बता, जब आप यहाँ से गए आपके दादाजी से तब इनका 84 85 में वो गुजर गए, उसके बाद फिर सर तो नहीं जी। तो उस टाइम पे तो आप तो छोटे थे, 5 और 14 साल 19 साल के आप थे उस टाइम पे बस जब दादा गुजर गए। हाँ इतना ही था। तो फिर छोटे आपके छोटे भाई आई थिंक जेएनके पुलिस में जी, तो उनका फिर देखभाल आपने किया जी। नहीं एक्चुअली सर मुझे नहीं लगता है सर मैंने इनको कोई देखभाल किया, मैं समझते हैं सर कल 2008 तक मेरा देखभाल इंडियन आर्मी करते रहा। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ क्या हुआ सर, मेरा आज तक इंडियन आर्मी के साथ रिलेटेड ऐसा रहा, जब 2087 या 88 में, क्योंकि यहाँ पर हर जगह में मैं हमारा सेना को भी कहते हैं, हमारे फौज को भी कहते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त कुछ न कुछ ये सोचता है कि यहाँ कोई आतंकवाद हो, जहाँ मुस्लिम एरिया है कुछ न कुछ ऐसे मतलब गलत सोचते हैं, कुछ मेंटेन हो उसमें कुछ डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं कहते हैं हम मुझे अपने देश को बचाना सिर्फ आपका जिम्मेवारी नहीं है सर, आप वर्दी पहनने के बाद आपका जिम्मेवारी नहीं है, मुझ पर भी जिम्मेवारी है, बल्कि आपसे ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि आप तो दिल्ली का रहने वाला है, पता मुझे यहाँ पर है, मुझे अपने देश को एक सर अगर यहाँ कोई कुदरती आफत आया या कोई मिलिटेंसी हो गया या कोई आदमी ने गलत काम किया तो बदनामी इलाका हो जाएगा ना। बिल्कुल आप तो नहीं हो जाए, इसलिए हम हर कहते हैं हमारे फौज को हम मदद करना चाहिए, फौज को हमें गाइड करना चाहिए, वो हमारे मेहमान है जो हमारे मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन असल में हमें बचाना है इस इलाके को। हर किसी को कहते हैं अगर छोटा सा उस इलाके में गलती हो गया तो फिर उस गलती का हमें भुगतना हमें पड़ेगा, उससे गलती की वजह से हमें बदनामी भी उठाना पड़ेगा, इसलिए चौकस रहना बहुत अच्छा सोच है। तो सर वो इंसिडेंट बताओ जब आप लाइक पाकिस्तान में गए और पहली बार अपने माँ बाप से मिले, ऑलमोस्ट कितने साल के बाद, आप 2014 में गए जी, 40-45 साल जी। तो सर उसमें सबसे पहले मैं अभी आपने ये पूछा तो मैं पाकिस्तान के जाने वाले में बात करें सर, जब यहाँ से मैं इस्लामाबाद पहुँचा 2 अक्टूबर 2014 को, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद सर मुझे 55 दिन वहाँ पर रुका गया था, 55 दिन पूरा यानी 2 महीना तो मुझे छोड़ नहीं रहा था, मेरे मम्मी पापा इतना तड़प रहा था कि आप दोनों लड़का मिलने के लिए आ रहा है, बोला हम मिलने के लिए आएगा मिलने के लिए आएगा, मैंने वहाँ पर मना किया जी मैं वो छत देखना चाहता हूँ जिस छत से आपने अपनी दोनों बच्चियों के लिए जिंदगी रोते रहा, मैं उस घर में आना देखना चाहता हूँ कि जिस घर में आप लोग जिंदगी भर दो बच्चों के लिए अपनी जिंदगी रोते रहा है सर, मेरे ये तमन्ना है आप घर नहीं छोड़ना,
आप घर छोड़ेगा तो पाकिस्तानी सरकार क्या करेगा, जहाँ हम और आपको मुलाकात होगा वहाँ से आगे आने नहीं देगा, बिल्कुल यकीन है। माँ बाप हर किसी के पास होते हैं, है ना सर। तो मैंने माँ बाप को इतना डेली फोन करता था, आप हस्ती से भी घर नहीं छोड़ना। तो उसके बाद सर फिर मुझे पाकिस्तानी सरकार हो या लोगों ने ये भी कहा कि आपका मम्मी पापा को सरकारी खर्चा पर हम आपको इस्लामाबाद लाए, ये भी कहा है। तो कहने के बाद मैंने कहा सर मेरा 80-90 साल के बूढ़ा बूढ़ी 2000-3000 किलोमीटर जिंदा नहीं पहुँच सकते, मैं अपने मम्मी पापा को मुर्दा देखने में नहीं चाहता। इस तरीके से मैं लड़ते रहा सर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरा बात सुना, मुझे 55 दिन बाद मुझे परमिशन दे दिया पाकिस्तान आने का। देने के बाद सर फिर मैं 20 नवंबर को स्कर्दो से इस्लामाबाद से मैं स्कर्दो पहुँचा, तब भी मेरे मम्मी पापा घर में बैठा हुआ। अब लोग चाहता था कि मम्मी पापा स्कर्दो में आए वहाँ मिले, लेकिन मैंने सख्त किया था आप घर बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं किसी तरीके से उस घर में नहीं आऊँगा। तो उसमें मैं आज भी पाकिस्तान का सरकार हो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुझे इस गांव में सर जाने का परमिशन मिला। तो सर एक लम्हा एक ऐसा हुआ सर, सबसे पहले मेरे मुझे एक परेशान था कि मम्मी पापा से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डट के रहा, मुझे मुलाकात हुआ। तो जब मैं स्कर्दो पहुंचा तो समझ लो सर आज हम ले पहुंचा, ऐसा ही है। जब ले पहुंचा तो मुझे तय है कि आज शाम को या किसी भी टाइम में अपने मम्मी पापा से मिलना है। तो उस दिन का सुबह सर मैं हर किसी को कहता हूँ, जैसे सर मेरे घर में कोई परेशानी आ जाते हैं तो आप मुझे तसल्ली देते हैं, ये समझते हो कि ऐसे रहो, ये तो ये है वो है, सबूरी करो, ये वही कहते हैं। अगर फिर आपका घर में ऐसा हो जाता मैं आपको पास पहुंच जाते, लेकिन अपना आप कंट्रोल किसी को कर नहीं पाते। जब दूसरों को तसल्ली देते हैं अपना पास जब पहुँचते हैं तो फिर पागल हो जाते हैं। वही सर मेरे ऊपर जो गुजरा है वो कैसे गुजरा सर, कि आप स्कर्दो में पहुंच गया, पहुंचने के बाद अब जाना था मुझे, आज पता था कि मम्मी पापा से मुलाकात करना है। तो मुझे भी पता था, सब कहता था मम्मी पापा से मुलाकात होना है। उस दिन सर सुबह से मुझे एक कुदरत ने एक अजीब सा एक टेंशन डाल दिया मेरे दिमाग में, कि मैं सोचे यार आज आप एक बहुत बड़ा कार हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, क्योंकि हो सकते हैं मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा हार्ट अटैक हो सकते हैं या मुझे हार्ट अटैक हो सकते हैं, पता नहीं क्या मेरे ऊपर वाले ने दिमाग में डाल दिया सर। उस दिन जो मैं बिल्कुल झूठ और पागल जैसा और बहुत मतलब जायज भी है, इतने साल के बाद 45 साल के बाद मिल रहे हो जी, तो मतलब हर दिन आपने वो इंतजार किया, हर दिन यहाँ से सोचा होगा कि यार अभी क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, है ना। और मतलब सामने ही बस मिल नहीं पा रहे और सामने ही हुआ। आप दोनों भाई गए थे सिर्फ अकेले जी। तो फिर क्या हुआ जी, क्या हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा, बोला आज मुझे सुबह में गाड़ी में बैठा, बोला आज मम्मी पापा से मिलना है। तो उस दिन जो मेरे बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरा 4-5 भाई मुझे ऐसे तसल्ली दे रहा है, आपने हमें 2 महीने हमें सिखाते रहा, आपने हमें नसीहत करते रहा, कहाँ गया आपको वो नसीहत, कहाँ गया आपको वो तसल्ली। तो मैं सब पागल हो गई दिन बाद में अपने आप में भी, कभी मैं अपने दिमाग में सोच रही ये क्या हो रहा है, ये आदमी क्यों पागल बन रहे हैं, ये आदमी क्यों रो रहे हैं, ये आदमी क्यों ये कर रहे हैं। अपने आप को भी तसल्ली देता है लेकिन अपने आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बस इस तरीके से गाड़ी में रोते पता नहीं क्या करते करते किस हालत में पागल हाथ में आके किसी रास्ते में एकदम मम्मी पापा का मुलाकात कराया। मुलाकात में उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया था कि एक तन्हा जगह थे, क्योंकि आप लोगों को भीड़ में करोगे तो जैसे जाओगे पूरा गांव भी इंतजार इंतजार में था। तो क्या हुआ था कि उन्होंने एक ट्रिक बनाया था कि मम्मी पापा को सीधा गाड़ी में बैठाने के बाद अब लोग तो इधर बैठे बैठे हुजूम बैठे हैं, तो एकदम एक गाड़ी छुपा कर लेकर बिल्कुल उधर जैसे में लेकर आया था। जब हम यहाँ मेरी गाड़ी आ रहा था उधर से मम्मी पापा का गाड़ी एकदम एक जगह से, इधर से मम्मी गाड़ी पापा का गाड़ी रोका, इधर से मेरे गाड़ी रोका, आदमी तो नहीं लेकिन बाद में वो इधर भी बहुत भीड़ बढ़ गया। तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि कहानी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे बिल्कुल दिमाग ही खराब हुआ है। बात का जो वीडियो मैंने देखा है तो उस वीडियो में लोग मुझे कहने को भी कुछ कहते हैं कि आप कुछ कहो लोगों को जनता को, लेकिन मेरे कुछ नहीं आ रहा है मेरे मुँह से। तो मैं कहते हैं जी आपको शुक्रिया कहते हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का जो मेरा इमोशनल आता है ना अभी, उसके बाद तो कुछ दिमाग काम ही नहीं करता, काम नहीं करते सर, सिंपल लगता है। फिर मैंने सोचा जी फिर मेरे जो दिमाग का हालत इस तरीके से हुआ,
होने के बाद आप उसके बाद जी मेरे ऊपर जो लोग इतना भीड़ जाते थे, पूछने के लिए आते थे बोले इंडिया में क्या है, फिर आपको मम्मी पापा का क्या, मतलब इस तरीके का माहौल होने के बाद रात 10-11 बजे मेरे मम्मी को मिलने का मौका मिलता था। नहीं तो दिन भर लोग आता था, कोई उधर से मिलने के लिए, कोई उधर से मिलने के लिए आता था, तो आने के बाद मम्मी से मिलने का टाइम बहुत कम होता। तो रात 11-12 बजे के बाद मम्मी मेरे पास आते थे, कमरे में आने के बाद एक अजीब से बात पूछते थे। एक मम्मी पूछेगी 5 साल में छोड़ कर जाने के बाद बच्चे बड़ा हो जाएंगे तो ज़रूर पूछेगा, तो उससे तो बेटा आपको क्या खिलाते थे, फिर भी आप क्या खाते थे, आपको क्या अजीब अजीब का बात है जो पूछता था। तो मैं भी उसी हिसाब से मैं अंदाजे से करता था, मुझे पढ़ाते थे इंजीनियरिंग, और मुझे मेरे हाथ में काफ़ी पेंसिल लगाते थे और मुझे कपड़ा पहनाते थे। फिर आज सर में एक चीज़ मेरे दिमाग से कभी निकल नहीं रही है, तो क्या निकलने रहे सर, जैसे कि उधर से कोई 50-60 साल है जो बाल सफेद वाले कोई माँ आते हैं, तो मेरे आज दिन में आज भी एकदम मेरे दिल में रहते हैं यार इसी माँ ने मुझे बचपन में तोहफा भेजा था। वो क्या होता था सर, जैसे कि यहाँ पर आप फौज में हैं, अब कल छुट्टी जाना है, जाने के बाद जब आप घर पहुँचने के बाद आपको यकीन अब ये कहानी सुनाएगा, हमारे पास दो बच्चा बैठता है, उनके मम्मी पापा बाहर में है, वो मिल सकता है मिल नहीं सकता है लेकिन वो देख सकता है। तो इस तरीके से इमोशनल जो कहानी आप अपने मम्मी को कहेंगे सुनाएगा, अपने बहन को सुनाएगा, अपना बेबी को सुनाएगा, तो वो क्या कहेगा आपको, ऐसे ही है आपके पास दोस्तों बेचारों को मम्मी पापा पार है लेकिन देख सकते हैं मिल नहीं सकते हैं। अच्छा बेटा उस बच्चे को आप ख्याल उस बच्चे को प्यार देना है, उनके मम्मी बिल्कुल घर जाके बताते थे यहाँ पे पोस्टिंग पे आपकी कहानी है ना सर, कहानी बताने के बाद माँ क्या कहते हैं सर, आपको माँ को आपने कहानी सुनाया, आपको माँ भी यही बोलेंगे बेटा आप उस बच्चे को प्यार देना, मेरे माँ का याद आता है तो मेरी वजह से उस बच्चे को प्यार देना, मेरे बेटा उस बच्चे को खुश रखना, मेरे माँ तो माँ ही है चाहे घर आया उधर, तो ये तो कहीं कहीं कहेगा आपका माँ भी आपको यही पैगाम देगा। देने के बाद वो लेकर वो फौजी मेरे पास आते थे, उन दोनों को बात कहने के बाद कोई कभी सीटर कभी थोड़ा सा कपड़ा कभी कोई बिस्कुट कुछ ना कुछ लेके आता था घर से कि मेरे मम्मी ने भेजा है या मेरे बहन ने भेजा है या मेरे बेबी ने भेजा, ऐसे बहुत सारे तोहफा हमारे पास बचपन में पहुँचता था, मुझे वो याद है। और उसके बाद आज मैं जब उसकी घर 50-60 साल की कोई लेडीज औरत देखते हूँ तो तक मेरे दिन में ये भेजा है शायद मुझे बचपन किसी ने तोहफा भेजा होगा, तो हर दिन में दिमाग रखते हैं। तो आज लोग कहते हैं आपकी तरफ से नहीं लेते हैं आप ये क्यों नहीं रखते हैं आप वो क्यों नहीं रखते हैं, आपने पूरा फ्री रखा है मैं कहते हैं देखो ये मेरे मम्मी और मेरे पापा यही देख कर कह रहे हैं, जब मेरे मम्मी पापा मेरे घर आते हैं तो मैं उनसे कैसे पैसा लूँ कैसे मैं फीस लूँ, ये सर मेरे सोच रखते हैं। लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो मैं कभी मैं इसके टिकट ऐसे नहीं सब घूमेगा फिरेगा और नाश भी हो जाए सर, आप कितना आपको सीनत चौड़ा हो जाते हैं, फिर हमने सिर्फ हमारा फौज ने एक आदमी को ऐसा परवरिश किया, बचपन में पाला हमने सिखाया, हमने स्कूल नहीं अपना आप लोगों ने सिखाया, एक सिपाही ने सिखाया दूसरे सिपाही ने सिखाया, एक कंपनी आके चला गया दूसरे कंपनी ने सिखाया, इस तरीके से उस बच्चे को वो बच्चा आज पूरा देश जान रहा है, फौज भी सेना चौड़ा नहीं कितने सच्चा फौज है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो ISI मुझ पर एक नज़र पड़ा, वो क्यों पड़ा सर, बात उनका भी सही था, अब उन्होंने कहा यार ये आदमी कहते हैं अपना आपको अनपढ़ कहते हैं लेकिन इसके बातें करने का अंदाजा इसका ऊंचा ये तो बहुत बड़ा गंजर आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी तो ये अपना आपको अनपढ़ कहते हैं, ये इंडिया का जासूस हो सकता है। तो ये बात जब ISI के नज़र में आ गया तो धीरे धीरे वो बात फैल कर सर मेरे घर तक पहुँच गया, मेरे मम्मी तो खूब रोने लगा कि ISI का नज़र पड़ा, ISI या तो भगा सकते हैं या तो जेल भी डाल सकते हैं, डर तो है ही बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे भी सुनने के बाद मैंने बोला आपको घबराने की बात नहीं है, आप मुझे उस ISI का साहब का पास ले जाओ, हाँ जी बड़ा साहब जो भी है ले जाओ, क्योंकि अगर हमारे देश का कोई और आता तो उनको ISI से मिलने में डर जाएगा, हाँ। लेकिन मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे इस देश के साथ जो मोहब्बत है मैं समझता हूँ किसी को हो ही नहीं सकता, जिस देश ने मुझे किया है और किसी को आज तक कभी किसी ने किया नहीं हो सकता, तो मैं मिलूंगा ISI के डायरेक्टर साहब जो भी है उनसे मिलूंगा। तो फिर मैं इसका पे चलाऊंगा, मैं उनसे बोला जब मैं हिंदुस्तान से आया हूँ मैं आपसे सलाम कलाम किया हूँ आपसे मिलने के आया हूँ,
इनसे मिलने के बाद सर मैंने वही इकहत्तर वाला कहानी सुनाया जो अभी आपको सुना जी। सर मेरे पापा को ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ सर, फिर मुझे इंडियन आर्मी के अलावा हमारे पास खिलाने वाला कोई नहीं था, दादा खुद 80-90 साल का अपना पाल नहीं सकता था जी। तो सर फिर मेरी ज़िंदगी इंडियन आर्मी के साथ में गुजरा है। तो आज सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जबान भी मुझे जानता है, उठना बैठना भी मुझे आता है, क्योंकि मेरे परवरिश इस तरीके से सर हुआ है। लेकिन सर आज तक पहचानी कोशिश तो मैं सलाम करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तक आने दिया और मुझे कोई परेशानी नहीं किया, तो उसको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन 71 की जो फौज को उनको मैं लाद नहीं पाता हूँ, क्योंकि 71 का फौज की वजह से हज़ारों लोगों को बेवा बना, हज़ारों लोगों को बेवा बना। अगर ये सारे वापस देता तो कितने फूले खाने होते, बिल्कुल है ना सर। तो ये कहानी सुनाते हैं कि सर आप ISI के डायरेक्टर हैं, आप क्या कहेंगे? सर किसी का भी मन नहीं आएगा कि यार बच्चे ने इतना देखा है, सहा है, है ना सर। तो मैं सर आज मैं हर किसी को कहता हूँ सर, अभी आप YouTube में सर आप गोवाली सर्च करेंगे तो सर एक आर्मी का मेजर से मेरे एंट्री हुआ है, मेजर सर से। तो उन्होंने मेरा एंट्री कर लेना चाह रहा था, तो वो अपना फर्स्ट में ये कहते हैं देखो ये आदमी, ये हमारे देश के लिए फख्र की बात है सर। उसने कहा कि ये आदमी ना कोई मुखिया है हिंदुस्तान का, ना हिंदुस्तान का कोई बड़ा आदमी है, ना हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ना ये कोई कुर्सी पे है, ना ये कोई लीडर है, लेकिन इनको देखकर, इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान के लोग बेताब है, इनको इतना सुनता है, इनको इतना पसंद करता है। तो आखिरकार एक अनपढ़ आदमी को इतना पसंद करता है, तो इससे अंदाज़ा करो कि हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की रियासत कितना अच्छा है। ये तो ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई बड़ा आदमी है। जब इसको देखने के लिए इतना लोग पसंद करता है, इनको देखने के लिए कमिश्नर साहब इनके घर आते हैं, इनको सुनने के लिए देशी साहब इनके घर आते हैं, तो समझ लो ये इसलिए हिंदुस्तानी फौज ने पाला है। तो जब हिंदुस्तानी फौज आप बताओ कितना अच्छा होगा, कितना ईमानदार होगा, ऐसे आदमी बनाकर ना आपको पाकिस्तान ने भेजा कि हम इतना अच्छा लोगों को बनाते हैं। तो सर ये वीडियो हमारे देश के लिए, हमारे फौज के लिए सर एक बहुत बड़ा नाच की बात है। मैं समझता भी हूँ सर, क्योंकि फौज सर मैं हर किसी को कहते हैं कि हमारे इस फौज को मैंने एक कविता मैंने बनाया सर, सर ये मैंने नहीं सुना, मैंने आपको सुना होगा, मैंने कहा मैं हम अपना आपको अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सींचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो आज़ाद पाकिस्तान भी हुआ, आज़ाद ये देश भी हुआ, आज़ाद 25 करोड़ वहाँ क्या हाल हो रहा है, और यहाँ 140 करोड़ कहाँ से चले गए, हम चंद्रमा पे चले गए हैं सर, मार्स पे चले गए, 140 करोड़ कितना बार माँ की गोद में जैसा हम देखा है, वो किसने किया है, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर और इनका टीम ने क्या कानून बनाया सर, जिस कानून के बदौलत आज हम माँ के गोद में जैसा देखते हैं। तो मैं हर किसी को कहते हैं सर कि कोई इस देश को बचाने के लिए सिर्फ मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं है सर, सिर्फ चिराग आदमी स्टाफ की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबको है ना सर, हम सबको जिम्मेवारी है। मैं ये भी कहता हूँ जवानों को, ज्यादातर मैं स्कूलों में जाता हूँ सर, मैं स्कूल के बच्चों को हर वक्त मैं कहते हैं आप एक सच्चा इंसान बन जाओ, आप एक चोर मत बन जाओ, आप एक लुफोर मत बन जाओ, आप अपना तालीम में एक सच्चा इंसान बन जाओ, ये भी देश का कंट्रीब्यूशन है सर। आप एक चोर बन जाएंगे, आप एक लफंगा बन जाएंगे, ये भी देश की मुसीबत है। तो ये मेरा मानना है सर, बाकी आप क्या पूछना चाहें तो हम आपको बता दें सर। अभी एक आपने इंसिडेंट बताया था कि एवरी फ्राइडे आने के बाद आपने डिसाइड किया कि आप अपने माँ बाप को यहाँ से जैसे छत से दिखेंगे जी। ये सर ये आपने जो पूछा उसमें मैं पहले सर आपका और एक कहानी में सुनाते हैं इससे पहले। जब ये दो बात है सर, जब मैं पाकिस्तान गया 2014 में 2015 में मैं वापस आया, आने के बाद मेरे मम्मी सबसे पहले मेरी मम्मी को कहा था, ये मम्मी ये कहता था कि बेटा आपको कैसे पाला, आपको कैसे खिलाया, आपको किस तरीके से, अजीब सब बातें पूछता था। मैं भी उस अंदाजे से मुझे याद नहीं है सर, मुझे आज दिन में एक दुख रही है सर मेरे लिए, मम्मी गुजर गया फिर भी एक दुख रही है, जो हर रात को मेरे मम्मी रात को मेरे से ऐसे अजीब अजीब बातें पूछते थे, मैंने उन सबको रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया, मुझे दुख यह है अगर रिकॉर्ड किया होता तो आज मैं उसी को सुनते रहता है सर। फिर आखिर में कहता था, फिर मैं अपने कहानियाँ इस तरीके से सोच लिए थे, खाना खिलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, कहानी सुनाते थे। सुनाने के बाद आपको मैं एक कहानी सुनाऊँ सर, ये सुनाने से पहले और एक कहानी सुनाते हैं
बहुत क्या मेरे लिए फोर्स ने किया। जब हम छोटा बच्चा था, दो बच्चा में और मेरे छोटा भाई, उसके बाद हम हिंदुओं के घर में हिंदुओं के साथ ब्रिटिश के साथ हम खाना खाता था, तो यहाँ पर क्यों मुस्लिम था। अब मुसलमानों को एक अजीब सा एक सोच होता था कि यार हिंदुओं को खाना, हाथ से खाना खाना हराम है, हिंदू है ब्रिटिश का हाथ खाए तो हराम है, इस तरीके का एक माहौल होता था पुराने समय में। आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उस माहौल में जब हिंदू और ब्रिटिश पढ़ाते हैं तो लोगों का नजर में क्या सोचना है, सोचेंगे ये हिंदू आदमी ये ब्रिटिश आदमी, इस तरीके का फिर ये सब थोड़ा सा एक अलग से शुरू खुल जाने वाहन को होता था। होने के बाद वो आप सर कमांडर साहब है, आप कमी कमांडर है या आप पोस्ट कमांडर है, तो आपने भी ये देखते रहा, आपको भी ये हालात सुनते रहे। सुनने के बाद क्या किया सर, शिव साहब ने एक अजीब सा फैसला किया, इस गांव में बॉक्सिंग कराटा कुश्ती का ट्रेनिंग सेंटर पूरा यहाँ पर लाया, नहीं तो बटालियन हेडक्वार्टर नहीं होता था। बटालियन हेडक्वार्टर से उन्होंने ऑर्डर किया कि बोला यहाँ पर रेत बिछाओ कुश्ती के लिए जगह बना लो, यहाँ पर कितनी मिट्टी डालो बॉक्सिंग का ग्राउंड बना लो, कराटा का ग्राउंड बना लो। ये सारे बनाने के बाद सर मैं छोटा था, सर 10-12 साल की होगी मेरे ख्याल में, छोटा था सर, मुझे पकड़ पकड़ के हम दोनों भाई को वहाँ बॉक्सिंग सिखाने के लिए ले जाता था, कराटा सिखाता था, पता नहीं क्या क्या कराटा आप जानते हैं बॉक्सिंग क्या, उसको पिटाई नहीं ऐसी बाहर कुछ नहीं होता। तो बहुत तंग होता था सर, मुझे तो बहुत तंग होता था, खाम खा वहाँ पीटने के लिए ले जा रहे हैं, तंग होता था, बस पकड़ पकड़ के कभी तो तसली देते ले जाता था, कभी आप बॉक्सर बनाना कहता था, जो भी है मैं नहीं मानते थे सर उसमें, खाम खा वहाँ पिटाई मुझे पता ही नहीं था वो क्या चीज़ है ना सर छोटे का। तो सर 1-2 ऐसे सिखाते गया, कुछ चीज़ सिखाते गया, करने के बाद किसी दिन मुझे सीओ साहब ने बुलाया दोनों भाइयों को, मैं बड़ा बड़ा नहीं था, इतना बड़ा नहीं, मुझे याद नहीं छोटा था। बुलाने के बाद सर उस सीओ साहब का आंखों में आंसू था, एक्चुअली मैं आपको बता दी सर, बुलाने के बाद बेटा आपने बॉक्सिंग सीखा सीख लिया सर, कराटा सीख लिया सीख लिया सर, मैं तो सब खेल सकता सर, नहीं खेल सकता मैं तो बोला ही नहीं बोला, तो सब कुछ मैंने बोला। तो आखिर में उन्होंने ये बात कहा, बेटा देखो आपको जो मुसीबत आते हैं आप पर जो ज्यादतें आते हैं वो हम देख सकते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आज के बाद बेटा देखो आप पर ले आंसू नहीं आएगा, आज के बाद आपका पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और भी बॉक्सिंग सीखना है और भी कराटा सीख लेना, आज के बाद आप समझ लो आप छूट गया। तो मेरे समझ में नहीं आई कि कौन सी भाषा है सचमुच में, बिल्कुल फिर भी मैं छोटा था। तो जब बाद में बड़ा हुआ तो पता चला कि जब बॉक्सिंग कराटा वालों को तो लोगों को छेड़ने की हिम्मत ही नहीं होता है ना सर, इसलिए मुझे बॉक्सिंग सिखाया। तो गांव में क्या लगी फिर रिगार्ड आ गया कि भाई उससे पंगा नहीं लेना। ये मुझे पता नहीं था सर, मुझे पता नहीं था मुझे क्यों खा मखा ये सारे तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन बाद में एक अफवाह फैल गया ये बॉक्सर है ये कराटा वाला है ये कुश्ती खेलता है, तब से सर आज तक मुझे दिमाग में एक आँच नहीं हुआ, जब कभी गुस्सा हुआ मैं झगड़ा करने की कोशिश भी किया लोग देख के ही डर जाता था, ये हमें पिछड़ी गति हम ये करेंगे बाद में सर। उस शॉप को सर आज सलूट और सलाम माफ करते हैं, क्या अब अंदाजा करो सर कोर्स ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया सर, इस हद तक तालीम के बारे में एजुकेशन के बारे में आप खुद देख रहे हैं, बिल्कुल सर है ना सर। तो मैं इसलिए सर इस कोर्स का मैं अभी उसके बाद सर क्या होता है कभी मैं इंटरव्यू में हो मीडिया में हो इसी तरीके से कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग भी आते हैं बढ़ चढ़ कर फौज को तारीफ करते हैं बढ़ चढ़ कर फौज को ये करते हैं, उसके बाद में हाँ पाकिस्तान की बात करें तो फिर मेरा माँ क्या कहते थे सर रात को, बेटा हम आपको माँ नहीं बन सका, हम आपको 5 में छोड़ कर यहाँ पहुँच गए, लेकिन आपका उस माँ को मेरे सलाम कहना जो आपको इतना काबिल बना, मेरे उस माँ को सलाम कहना जो आपको एक इंसान बना दिया। बार हार रोता था और बार हार मुझे ये बात कहता था। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो आज भी सर कभी कोर कमांडर साहब आते हैं या कभी ब्रिगेड कमांडर आते हैं या कोई ना कोई आर्मी के जो अफसर आते हैं तो उसके जो पीछे वाला फौजी सिविल में आता है, बड़ा साहब सिविल में आता है, आपको पता है पीछे वाला आदमी वही में आता है, तो मैं तब जाके मैं उस सिपाही जो नमस्ते सर अस्सलाम वालेकुम सर जिले सर बोलता है तो वो बोलते साहब 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 आगे बैठता है, तो मैं समझते हैं सर साहब से बिल्कुल मैं समझता हूँ साहब है, लेकिन मेरे माँ का पैगाम है कि मैंने माँ ने सूरज को सलाम करने के लिए कहा है, जब तक मेरा अपने तन में तन रहेंगे मैं उस सूरज को सलाम करते रहूँगा। तो फिर वो साहब भी बोलता है हाँ हाँ बात आपका सही है,
तो सर आज मैं इस युवती को देखने के बाद मैं सोचते यही था मेरा मम्मी पापा, आज मैं जहाँ पहुँच जाएंगे मेरे पास कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं, ना मेरे चाचा का है, ना मेरे मामू का है, ना मेरे दादा का है, बस सिर्फ सर इंडियन आर्मी का जो बदौलत सर आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं सोचते हैं सर इस देश के लिए अगर मुझे जान भी देना पड़ा, लेकिन अफसोस ये है सर, अफसोस इस बात की है क्या हुआ सर 99 हुआ यहाँ पर, 99 के जो आपने सुने से काम भी हुआ है यहाँ पर, लोग जेल में भी गया है, ये सारे हुआ है। होने के बाद मैंने अपना मम्मी समझ कर, अपने पापा समझ कर मैंने जो काम किया है ये काम आपको बोलने का पता चला। लेकिन फर्नांडिस सर डिफेंस मिनिस्टर था हमारे यहाँ का, ब्रिगेडियर जमवाल साहब यहाँ पर रहेंगे कमांडर थे, कमांडर साहब ने जब फर्नांडिस साहब इधर आया नुब्रा में आने के बाद एक रात रुका था कप्तान ने फर्नांडिस साहब सहजन दिया था रुकने के लिए। उस दिन जमवाल साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को पूरा बता दिया मेरे बारे में, इस आदमी ने ये मदद किया, इस आदमी ने ये मदद किया, सारे बताने के बाद फिर मुझे शाम को बुलाया फर्नांडिस साहब को मिलने के लिए जमवाल साहब ने। फिर मैं वहाँ पर कमांडर गया तो फिर मुझे कहा आपको 26 जनवरी के दिन आपको जवाब दे दूँगा। मैं कहा सर मेहरबानी, ये काम मेरा था, मुझे करना था, मैं अवार्ड मेरे फौज को मेरे कमांडर साहब को देना चाहिए क्योंकि वो हमें बचाने से आया है, हमें बचाने से दिल्ली से आया है, हमें बचाने के लिए देश के पुणे से आया है। सर हम कोई अवार्ड नहीं दे सकते हैं लेकिन हम अवार्ड लेने के काबिल नहीं हैं सर, तो फिर इसी तरीके से मैंने आपको दे देंगे। जब बार बार कहा तो फिर मैंने कहा सर मेरी ज़िंदगी में एक काम करना है, एक ख्वाहिश है, क्या है आपका ख्वाहिश? सर मैं एक बार मम्मी पापा से मिलने का मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है, तो अगर मैं यहाँ आपका अवार्ड ले लूँ आपको ये करें तो एक तो मेरे मम्मी पापा को इधर तकलीफ में डाल देगा, सच में से छोड़े जाए कि मेरा बेटा वहाँ ये करता, उसके बाद दूसरा नंबर पर मैं फिर पूरी पाकिस्तान जाने का मेरा नंबर देंगे। सर आप मुझे पाकिस्तानी बना कर रखो सर, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मेरा खून है, इस खून ने यहाँ तक पहुँचे 5 साल में मेरा तबियत किया, 5 साल से मुझे इस देश का खून पड़ती हुआ है सर। तो फिर फर्नांडिस साहब ने बोला आपका ये बड़ा खुना हुआ पाते हैं तो हम दुआ करते हैं आप अपने मम्मी पापा से मुलाकात हो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है सर। ये सर मेरे देश के लिए मैं ये सोचते हैं, लेकिन बदकस्मत ये सर क्या कहें आज का तहत में अभी चलो अभी चलो मेरे सब खोज को कोई तलब नहीं, मुझे बड़ा दुख इस बारे से, कल तक इतना बढ़िया ताल्लुक होते थे, कल तक इतना बढ़िया था, जब बीच में जब रखना पड़ जाता है पढ़ने के बाद अब लोग मुझे इंडियन आर्मी का मुझे ज़्यादा जो पसंद करते हैं तो लोग इसको ज़्यादा तोड़ने के लिए आते हैं बीजी है सर, तोड़ने के आता तो अभी मेरे साथ इन सी ओ का सर कोई रब्ता नहीं है। हाँ वाकई ब्रिगेड कमांडर साहब का साथ मिला कल, लेकिन मतलब आपको जान के तो खुशी होगी पर ये सच भी है कि आपको इतना जानते हैं जब से हम लेह में आए हैं आप, मैं मतलब चलो मैं तो फौजी हूँ और मैं लोगों से मिला वहाँ से जानने को मिला, आप इनसे पूछो आई थिंक इन सबको आपके नाम के बारे में पता होगा घर बैठे की, और सबके यही ख्वाहिश था कि जब वहाँ पे जाएंगे तो गोवाली जी के यहाँ पे जाना, और अभी हमारा डेट हो गया, बोले नहीं जो मेन मकसद इससे मिलना है मतलब वो है, आई थिंक इतना सही जगह है कि हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं आई थिंक ये अपने हिंदुस्तान का पीछे और ये जी ये वाला पाकिस्तान का पीछे जी सर, ये सारे जो है ना सर इसमें जब हमने मेहनत किया सर मेरे कोई गम नहीं है सर, जिस मेरे को सर अभी आप चलो बातों में चलो आप भी खुश हो जाएंगे क्या हुआ सर, मैं छोटा सा कहानी सुना 84 को जंग हुआ सर, चैंपियन हुआ सर 84 होने के बाद सर उस नाले में जाना था, जंग से पहले जंग हुआ होने के बाद सर मेरे दिल में एक अजीब से एक जोश था, एक जज्बा था, मैं सोचता था कि अब मुझे मौका मिला अपना मम्मी पापा की खिदमत करने का, मैंने इतना एक अजीब सा कुदरत ने जो जोश डाला था, उस जोश के हिसाब से मेरे घर में एक डंकी होता था, एक घोड़ा होता एक याक होता था, बाकी लोगों में बारी लगता था सर, काम करना तो पड़ेगा आर्मी के रोड सामान ले जाना पड़ेगा, अब आर्मी का सामान ले जाने के बारी लगता था गाँव का रेस्ट में, तो अपने बारी में किया तो किया नहीं तो फल तो कौन करेगा, इतना दूर जाएंगे पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जंग का हालत था। तो मैंने सोचा यार आज मेरा अपने मम्मी पापा का खिदमत करने के लिए मौका मिल रहा है, रात दिन सर मैं डंकी पर भी लोड चढ़ाता था, याक पर भी लोड चढ़ाता था, खुद
दिखा नहीं सकते, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था, एक बार में इतना बड़ा नहीं था। तो सर मैंने इतना काम करते किया, काम करते किया, तीसरा साल तक मैंने काम करते किया, लेकिन मेरे दिल में ये नहीं था कि कुछ मिलना है, बस इतना था कि मेरे उस फौजियों को मेरा राशन पहुँचाना है, बस ये मेरे जज्बा था। इस जज्बे से सर मैं काम करते रहा, तीन साल हो गया। तीन साल बाद सर हमारे ये देश कभी किसी का हक नहीं खाते सर, बेखसूस हमारी ये फौज। अब मुझे क्या पता कि हाजिरी सबका लगा हुआ था, हाजिरी सबका लगा हुआ है, किसने कितना काम किया, किसने कितना काम किया। तीन साल बाद सर उसको पैसा आ गया, फंड आ गया, पता नहीं कहाँ से फंड आया, तीन या चार साल बाद उसका पैसा आया। तो अब लोगों को कितना मिला सर, 1200-1517 रुपये पैसा था, पर दो 17 रुपये था, 1200-1300-1400-1500। इधर आए जो मोहम्मद अली का नाम पे 28,000 काम। लेकिन इस तरीके से सर फिर मैं पता नहीं अपने आप में क्या पागल हुआ होगा यार, मेरे को ऊपर वाले कितना मुझे खजाने में देते हैं। इस तरीके से सर फिर एक बार गुवाली बन गया सर, बहुत बड़ा अमीर बन गया सर। उसके बाद 99 हुआ सर, ये एक 99 को जंग हुआ, होने के बाद सर अब यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब और पुलिस का ये एटीएम यहाँ आया। आने के बाद हमें शिफ्ट करना था स्कूल एक जगह में, वहाँ टेंट रूम लगा था, वहाँ पर हमें शिफ्ट करना था थाम कैसी को जंग कर। तो यहाँ फर्स्ट में यहाँ आया, मैं मुखिया था उस वक्त, मैं नंबरदार था। मुझे नंबरदार भी 88 में आर्मी वालों ने जबरदस्ती बनाया था सर, 88 में। 88 में तो मैं नंबरदार का मुखिया का काबिल नहीं था ना सर, उम्र भी बहुत कम थी, बहुत कम थे। अब मुखिया होता है गांव के बुजुर्ग लोगों को काम करने के लिए, तो क्या किया सर, समझदार नहीं सर। शेर साहब को एक आर्डर हुआ था, काम चाहिए तो मोहम्मद अली को काम दे दो, काम नहीं चाहिए तो हम तुम्हारा काम बंद कर देंगे। गाँव वालों को सीधा इस तरह के हुआ। तो फिर मैं 88 में मुझे बनाया सर मुखिया, बनाया मुखिया, ये आर्मी नहीं बनाया था सर, मुझे मुखिया बनाया सर। मुखिया बनाने के बाद मैं उस वक्त मुखिया था। उस दिन सर यहाँ आया, इस जगह में आने के बाद बोला आप लोगों को शिफ्ट होना है, उधमार स्कूल किसी जगह में शिफ्ट होना है, तो उसको क्या सी को शिफ्ट करना। यहाँ आया तो मैंने कहा सर मैं शिफ्ट नहीं होगा सर, मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता सर। तो बोला आप क्यों आपको जाना पड़ेगा सर, मेरा फौज सरहद पर लड़ते रहेंगे, मेरे फौज वहाँ मरते रहेंगे, मैं जाकर लेने सर मेरा घर था। मैंने कहा नहीं कि मेरे घर है, मैं अपने घर में बैठे रहेंगे, ये मैं हर किसी नहीं करूँगा, मैं सर यहाँ पर बैठूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं फौज के साथ मैं यहाँ बैठूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर एजेंट साहब ने बोला आपको लिख कर देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, तब आप बैठ सकते हैं, नहीं तो हमारे तरफ से आपको निकालना। तो फिर मैंने सर बिल्कुल मैंने लिख कर दे दिया, मैं अपना जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊँगा। मैंने अपना जिम्मेदारी खुद उठाया और मेरे जनता से भी मैंने कहा देखो हमें कुछ नहीं होगा, आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं एक मुखिया के तौर पर गांव का एक प्रधान के तौर पर मैं लिख कर दे रहा हूँ कि हम यहाँ की गाँव हाथ छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो क्योंकि मैं गाँव का छोड़ कर जाएंगे तो फिर मेरे फौज के सामने कौन पहुँचाएंगे, है ना सर। तो ये कहा तो फिर आगे जाके टैक्सी वालों से पूछा, बोला आप उनको गाँव में शिफ्ट चले जाना। तो बोला थानको गोबर ने क्या फैसला लिया, तो उन्होंने बोला जी थानको गोबर ने फैसला लिया, वो यहाँ चाहते जाए तो उनकी लिख कर दे दिया, वो अपने जिम्मेदारी उठा के जा रहा है। तो फिर उसने पुलिस और फौज का कोई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद जिम्मेदारी देता है। तो फिर उन्होंने भी लिख कर दे दिया, हम भी अपना जिम्मेदारी जी कैसे, और थान 99 में गाँव नहीं छोड़ा सर, लेकिन टूट नहीं छोड़ दिया। हाँ टूट तो गाँव छोड़ कर चला गया पीछे, लेकिन टैक्सी और था मैं 99 के जंग में सर ये गाँव नहीं छोड़ा सर, और उसके साथ शाना बशाना लड़ते रहा। तो उस वक्त भी सर क्या हुआ, 25,00,000 रुपये मुझे पेमेंट मिला सर 99 में। वो कैसे हो गए लोग के पास, और जंग के दौरान को काम करने वाले कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने 30 से 40 गधा हम ला कर कमांडर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने उसका कि नेपाली ला कर 40 गधे से हम काम कराते हैं तो पूरे गांव को काम मिला हुआ जी। हाँ काम तो दुनिया सर इतने काम हुआ। तो फिर उस वक्त सर फिर मुझे एक बार में 25,00,000 पेमेंट हुआ,
25 लाख रुपए है ना सर। तो मैंने सोचा ये भी मैं पैसे के लिए काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर, अगर आपका मन साफ है और आप अपने सही उसके लिए काम करो, देश के लिए काम करो, तो चीजें तो घूम फिर के अच्छा होगी। इसलिए लोगों को कहते हैं ना सर, सोचो खिदमत करना हमारा ईमान है जी, है ना सर। तो इस ईमान को बरकरार रखते हैं तो ऊपर वाला अजीब तरीके से सर मुझे दो बार जो पैसा दिया ऊपर वाले ने उम्मीद से बाहर का सर, 99 में भी कोई उम्मीद नहीं की पैसा मिलने के। सिर्फ सीओ साहब उधर से कमांडर साहब कहते थे जी आज हमें 40 गधा चाहिए, 20 गधा चाहिए, 10 गधा चाहिए। कितना गधा मर गया सर। अब लोग गाँव वाला गधा मरने के लिए खरीदना कोई नहीं चाहता था, और खरीदने के बाद अब उस गधे को चलाने वाला भी चाहिए। इधर से दे गधा दर गोला गिर रहे हैं। तो इस तरीके से सर ये हमारा दीजिए सर, इस तरीके से गुजरा है। तो सर अगर आप रात भर भी रुके वो जो आप बोले थे ना कि हम कैसे देख पाते हैं आपको, कहते हैं तो आपके भाई बहन होंगे छोटे वहाँ पे, और जब माँ बाप सब कैसे मतलब हर फ्राइडे को कैसे मिलते थे। देखो एक अजीब सवाल, आप एक जनरल साहब यहाँ आया था उनके साथ वही हुआ था एक्चुअली। आज कहानी से जनरल साहब से बिल्कुल मिलता है। आप और कहते क्या हुआ, मैं इस तरह फिर वीडियो बना रहा था, कोई था तो जनरल साहब वो अपने आप को छुपा गया था, असल में वो जनरल साहब था। तो यहाँ खड़ा बैठा तो भाई साहब आपको एक कहानी हमने थोड़ा सुना, मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, थोड़ा आप मुझे सुनाओगे। थोड़ा सब सुनाएगा मुझे क्या पता, वो एक आदमी था तो यहाँ बैठा। फिर मैंने शुरू से जैसे आपको सुनाई कहानी को मैंने सुनाया, सुनाने के साथ सुनने के बाद उन्होंने फिर मेरे कान में कहते हैं मैं जनरल क्या कुछ सीन है जनरल प्लान, लेकिन नहीं बताने मैं अपने बच्चों के साथ घूमने चलाया हूँ, ऐसे आया हूँ, मैं प्लान हूँ, आप दिल्ली में आना, मैं नोएडा दिल्ली में रहता हूँ। इस तरीके से इतना खुश होकर हम क्या करता हूँ उसको। तो इसी तरह सर अभी आप ये अब आपका साथ बात करते हैं ना सर, एक इंडियन आर्मी के साथ बात करते हैं तो मुझे एक अजीब सा एक फख्र है मेरे बात हर वक्त फिसल जाता है उस तरीके का। अब मैं वही कहूँ सर, एक मिनट, हमने कुछ टाइम पहले सोचा था कि हम कुछ गांव को अडॉप्ट करेंगे, कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो विद हेल्प ऑफ सर वी कैन डू दिस, कि इस एरिया से आने वाले बच्चों को हम पढ़ाएंगे उधर, अपने डिफेंस की तैयारी कराएंगे। हाँ वो एक्चुअली सर क्या है कि अभी एक हमने एकेडमी खोला है दिल्ली में जी, वो बच्चों को ऑफिसर बनाने का तैयारी कराता है जी, जो जैसे एनडी के एग्जाम देते हैं 12th के बाद या CDS का। और हम तो अभी हम सोच रहे थे कि एक ऐसे गांव को ना जो हम मदद कर सकें, जो भी गांव का बच्चा है अगर तैयारी कर सकते हैं, आई थिंक आपके थ्रू जो भी आपके गांव का बच्चा है वेल, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे वहाँ पे रहने का, तैयारी का, बसों का, खाने पीने का, जो भी खर्च आएगा 12th के बाद अगर उसको NDA का फौज में ऑफिसर अगर बनना है तो। सर मैं एक बात बता दूँ सर, अभी 9वीं में पढ़ रहे हैं मेरे बेटी है, मेरे बेटी तो आज भी नेवी में जाना है। आज कौन सी क्लास में, मैं अभी 9th में है। अच्छा, काबिल भी है सर, जेनवी में पढ़ रहे हैं, लेट जेनवी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी से कहते हैं कि अभी भी अभी 9th में है, कल कोई फॉर्म भर रहा है, किसी ने क्या कर रहा था, बारहवीं के बाद खुल गई है जब ऑफिसर के लिए आप 4 साल का ट्रेनिंग करते हो फिर ऑफिसर बनते हो आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो अभी उसको पहले 12th तक पढ़ने दो, 12th तक क्योंकि 10th तक अच्छे से पढ़े, 11th 12th में अपनी पढ़ाई भी करेगी और प्रिपरेशन भी करेगी। ऐसा ही होगा सर, क्योंकि ये उनको पता है, कल मुझे पूछ रहा था पापा जी अभी मैं कुछ फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे नेवी में जाना है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, पता नहीं वहाँ स्कूल की तरफ से कुछ हो रहा है, खैर मैं स्कूल की तरफ ये मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, मैं नेवी में। आप हमारे नंबर दो, हम उसको गाइड करेंगे अच्छे से, उसको सब कुछ बताएंगे। और ये हम कह रहे हैं कि जैसे आपकी आपकी मदद से स्थान गाँव का कोई भी बच्चा अगर फौज में अफसर बनना चाहता है तो 12th के बाद हम पढ़ाएंगे, आप भेजो, आप कॉन्टेक्ट नंबर लो, बस भेज दो, आपका नाम लेके स्थानदार से आएगा, हम उसका हम करेंगे मैनेज। हॉस्टल का पूरा खर्चा, उसका जो फीस है, जैसे रिटर्न की तैयारी होती है 6 महीने का कोर्स है, फिर इंटरव्यू की तैयारी होती है वो 21 दिन का, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी सर, तो शुक्रिया। आपके बच्चे भी मतलब अब उसको 9th 10th करने दो, 11th से हम बताएंगे, जब 12th में होगी तब उधर आ जाए, क्योंकि 12th में रहते रहते आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज होगी कि आपके मतलब इनको जो शौक ये है, पता नहीं कल से कल मुझे फोन आ रहा था, मैं नहीं
अभी तो नहीं है। हाँ, नवी से देखो कोई नवी से तो नहीं है, शायद एनसीसी की तैयारी के लिए मन है ना, तो उसका फौज के लिए भी मन बहुत होगा, तो आप वो कर लेगी उसके बाद। यहाँ तो हमारे नंबर लग नहीं रहे हैं, हम आपको नंबर देके जाएंगे, उसको बोलना हमसे बात करे, आपका नाम लेके बात करेगी, हम बात हम उसको सब समझा देंगे, हर एक चीज समझा देंगे। एनसीसी में वो सिलेक्ट हो गए बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उसके लिए बहुत जरूरी भी है, उसके लिए अच्छा भी है, एनसीसी में अच्छा भी करेगी, और उसके बाद जैसी ट्वेल्थ में आएगी, इलेवंथ तक यहाँ पढ़ सकती है, ट्वेल्थ में आएगी अब पहले एग्जाम की तैयारी करेगी, फिर वापस इधर आ जाएगी, इंटरव्यू देगी, फिर यहाँ पर अपना कॉलेज एग्जाम देगी, तो एनडीए में आप ट्वेल्थ करते करते सिलेक्ट हो जाते हो ये बच्चे में जो बारहवीं करने के बाद, और फिर सीधा वो ज्वाइन करते हैं बारहवीं के बाद। सर हम बता देंगे आप उसको, मतलब हर एक चीज बता देंगे आपको। आप पे कितने बच्चे हैं सर? मेरा तीन बड़े लड़की पलस्ती में सर, अच्छा। दूसरा अभी में सिलेक्ट है, तीसरा अभी आईएएस में पढ़ता है, माशाल्लाह सर ये भी अभी फर्स्ट आ रहे हैं, वो हर वक्त ये मार्क्स लेते हैं, और वो लड़की भी जेएनयू में 97 जेएनयू तो बहुत टॉप की स्कूल है, तो वहाँ पर सर 98 नंबर लेते हैं। ठीक है, पढ़ने के उसके पास क्या सब्जेक्ट थी उनका? है तो सर इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, नॉन मेडिकल है, इलेवन के बाद होता है मेडिकल, मेडिकल नॉन मेडिकल और कॉमर्स होता है सर, बस वही होता है यहाँ पर। मैंने आपके छोटे भाई कभी नहीं मिले यहाँ से? देखा था उन्होंने, देखते तो जब आप देखते नहीं, इनको ऐसा हुआ था। देखो ये देखने वाली बात बहुत सारे जो वाक्य है देखने का, शायद मैंने आपको पहले भी सुनाया था, जब मैं 14 में 15 में वापस आया यहाँ आने के बाद, तो 15 में यहाँ आया सर, आने के बाद मेरे मम्मी क्या करने कहा कि आप हर फ्राइडे को जुमे के बाद पापा भी फ्री होता है तो हम यहाँ लास्ट किनारे में आप आना, ये यहाँ दिखाई देते हैं, आप यहाँ आना तो हम भी यहाँ वहाँ से आएंगे, तो ज़रूर 2-2.5 बजे आप आना, तो वो पैगाम लेके हम भी यहाँ आया। आने के बाद जब हम जुमा का फ्राइडे का दिन 2-2.5 बजे इस टाइम पे मैं आगे चला जाता दो दिन लेके, जाने के बाद अब वहाँ से मम्मी आता था, पापा आता था, कभी मामू, कभी मतलब बहुत सारे लोग आते थे। आने के बाद जब मैं यहाँ से दूरबीन से देखता तो साफ तौर पर मम्मी का चेहरा था साफ, बस समझो सामने है, तो दूरबीन में सर सामने है ना सर, 2 किलोमीटर तो है ही नहीं, उसमें दूरबीन से लाते हैं तो बिल्कुल सामने भी सामने देखा कि अरे मेरे मम्मी पापा, जब यहाँ पर कुछ है वो भी पता। इस तरीके से सर 2-3 साल हम देखते रहा सर, हर जुमा का दिन, तभी एक दो जुमा मिस हो गया, नहीं तो हर जुमा के दिन देखता था, फिर वहाँ मम्मी मुझे देखता था, मैं मम्मी को देखता था, इस तरीके से कभी मेरे मम्मी दूरबीन देख कर बोलता था कि हाथ को उठाओ, इस तरीके से ये होता रहा। आपकी शादी जो थी आपने करी है वो आपने खुद से करी, आपके किसने यहाँ पे कोई जानने वाले उन लोगों ने करी है? अभी मेरे ख्याल में आप मेरे शादी किस उम्र में आपकी शादी हुई? मेरा असल में क्या हुआ जी, मेरे शादी करीब 85-86 के बाद ही हुआ था, तो एक अजीरान जिंदगी गुजारा था मेरा, जिंदगी में कोई नहीं संभालने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं आपको एक इंडियन आर्मी के मेहरबान आपको कहें तो मेरा दादा एक जईद था, आंखों में भी दिखाई नहीं देता था, एक बुरी था, तो इस गांव का एक सिस्टम होते हैं, शायद हर घर का हर गांव का एक सिस्टम बनता है कि गांव में एक चूल्हा बंदी होता है, मेरा 20 घर का है, तो 20 घर में से अगर आर्मी का काम करना है या कहीं काम करना है तो उस एक आदमी के चूल्हा को काम करना पड़ता है, अच्छा। वो तो जब हम अपने चूल्हा बंदी कहते हैं, अच्छा। इतना परेशान मत होइए, मैंने आप ये सिस्टम पे आपको ये रखा, मैंने ये मंगवाया। चाहता है खुशी चुप घूम घूम दीजिए पढ़ने
एक्चुअली मैं बनाऊँ 2 साल का इमोशंस अलग होंगे इनके इमोशंस इनके इमोशंस 5 साल का बच्चा एक यू नो मिस करता है वो फेस देखता है या यू नो ज़्यादा वो शायद कहीं तो सर आपका ये फार्मिंग में कैसे इतना इंटरेस्ट आया क्योंकि आई थिंक एक म्यूजियम है आज की डेट में कि यहाँ पे जो फल भी नहीं हो सकता आपने वो भी लगा के दिखाया हुआ और हर चीज यहाँ पे बनाया हुआ सर इसमें ये हर कोई वही कहते हैं जब गवर्नर साहब आया था तो फिर मैंने गवर्नर साहब को भी मैंने हर कोई आप जो पूछ रहे हैं ना सर वो बड़े से बड़े लोग यही पूछते हैं आपकी ये सेलिंग कहाँ से आया आपने किसने सिखाया बल्कि आर्मी अफसर ज्यादातर ये पूछते हैं कि आपने इसका डिप्लोमा कहाँ किया कब किया इस तरीके से पूछते हैं तो मैं हर किसी को सर वही जो मैं कविता जो आपको सुनाया ना सर वही कविता सुनाते हैं जब किसी इंसान का मन को जब सही बनाता है ना सर किसी इंसान का सोच को सही बनाता है तो उस सोच में सब कुछ इसी में शामिल होता है सब कुछ मैं आपको बता दूँ सर मैंने वहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल गेट बनाया सर मैं आपको बता दूँ इतना आसान अच्छा मतलब फार्मर के साथ साथ इंजीनियर भी है जी सर मैं आपको बता दूँ सर रिमोट कंट्रोल गेट मैंने क्यों बनाया सबसे पहले मैंने एक समस्या देखा इंसान का अरे मैम थैंक यू तो सर जब आप अपने घर में भूल जाते हैं तो आपको गाड़ी को ब्रेक करके रोकना पड़ेंगे करने के बाद फिर आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा खोलने के बाद गाड़ी को अंदर डालो डालने के बाद फिर आप गाड़ी से उतर जाओ दरवाजा बंद करो फिर आप गाड़ी में चढ़ जाओ फिर बहुत बड़ा एक अजीब सा एक प्रोसेस है क्योंकि जैसे आप गाड़ी ना होता तो आपको जरूरत ही नहीं है दरवाजा खोलो अंदर आ जाओ तो इसके लिए मैंने सोचा ये एक बहुत बड़ा परेशान है तो उसके लिए मैंने कैसा बनाया सर रिमोट कंट्रोल गेट सर आप देख सकते हैं तो मैंने लाया सर जैसे आपका गाड़ी का सेंटर लॉक है आपका गाड़ी में भी एक सेंटर लॉक होते हैं जो रिमोट से खुलता है और रिमोट से बंद होता है उसका अंदर एक मशीन आता है सर चार लॉक आते हैं तो वो मशीन जब आता है तो मैंने वो मशीन बाजार से खरीदा सर 800 मैंने शुरू में गलती से चार्ज किया लेकिन एक मशीन खरीदने से काफी होता था एक ही गेट को खोलना है तो वो मशीन मैंने खरीदा सर खरीदने के बाद उस मशीन के साथ मैंने एक सिस्टम बना लिया ऑन ऑफ सिस्टम बनाने के बाद सर जैसे इधर से लॉक ऊपर आया तो ये टॉर्च टच हो गया अब लॉक नीचे आया तो ये टॉर्च टच हो गया ये मैंने बनाया ऑन ऑफ उधर बना रखा है बनाने के बाद अब ऊपर सर वेपर मशीन जैसे बारिश आता है तो इसमें वेपर मशीन नहीं आता जो बैटरी से चलता है वो 2 वेपर मशीन मैंने कबाड़ी से 50-50 रुपये में मैंने खरीदा वो 50 रुपये लेता था खरीदने के बाद एक दरवाजे गेट के इस साइड को ऊपर रखा एक को इस साइड को ऊपर रखा कनेक्ट उसके साथ कनेक्ट कर दिया करने के बाद सर जब आप गाड़ी में बैठे बैठे आपने यूं रिमोट डाल दिया तो ये एकदम इसको करंट मिल जाएंगे तो करंट मिलने के बाद वेपर मशीन आपका दरवाजा खोलेगा है सर खोलने के बाद आपको गाड़ी अंदर आया तो फिर आपने और एक दरवाजा यूं दबा दिया तो फिर क्या होगा सर दरवाजा फिर आपको बंद कर दिया तो 1200-1300 सर आपका घर का गेट रिमोट कंट्रोल सर अभी आप बताओ कि ये मेरे समझ नहीं आ सकते हैं क्या बता सकते हैं आप बना सकते हैं अब आपको समझ गया एक वेपर मशीन लाना है गेट को ऊपर फिट करना है ना सर उसको करंट देना है रिमोट वाले से क्योंकि रिमोट वाले जैसे ये है सर ये इसको बैटरी टच करते हैं तो जैसे यहाँ टच हो गया तो उसको करंट मिल गया उसका यस 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 अभी सर आप आराम से बना सकते हैं हाँ बिल्कुल बन सकते हैं बना सकते हैं लेकिन इतना सोचने के लिए जो आदमी एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं किया आपने लेकिन इतना सोचने के लिए इतना एक बहुत इंटेलिजेंट दिमाग भी चाहिए ये तो बहुत मतलब है वी शुड रिस्पेक्टेड आई थिंक कहीं ना कहीं आपके गांव में उस चीज का वो होगा भी कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि भाई ऐसा बनना है ऐसा कुछ करना है मतलब इस तरह से क्योंकि आपका यहाँ से लेके लेह तक मतलब ये कि आप किसी से भी पूछ हम लेह एयरपोर्ट में उतरे तो हमें बुला पहले हमारा प्लान था कि ठीक है प्रतापपुर के लिए तुरतुक जा रहे हो तुरतुक के बारे में जाना से करके तो बोले तुरतुक जा रहे हो तो फिर आप जाके गोबर विजन में जाओ उनसे मिलो उससे मतलब बेहतरीन कुछ है नहीं वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने पूरा डेवलप किया है ये क्या है लेकिन सर जो आपकी पूरी कहानी है ना ये हमें एक्चुअल में आज ही जाके पता लगी द वे पीपल टेक यू एज एन इंस्पिरेशन वहाँ पे उधर जो लोग बेच रहे हैं उनसे बात करें तो लोग बता रहे थे ऐसे करके
बोल रहे थे कि ऐसे लगते है कि सामने हैं जैसे उनमें हैं दो लोग, बोल रहे थे कि हमारी तो बीवियां उस तरफ रह गई थी, लाइक उनमें से एक 25 साल का उम्र था उनका, एक का 17 साल, 19 साल उम्र बता रहे थे कि हमारी वाइफ उधर रह गई, तो कभी मिलने की कोशिश नहीं करी किसी ने, बोले गाँव में से देखिए आदमी उधर अभी थक गया है, एंड वो गोवाली जी इस गाँव के लिए भी एक मिसाल है। तो सर अभी एक तो मैंने आपको ये बता दिया सर, तो आपने ये बीच में पूछा कि आपका ये सोच कहाँ से आया। अभी मैं ये सोच, ये दो बात है ना सर, आपका भी काम आएगा, मेरे दोस्त का भी काम आएगा, हर किसी का काम आएगा, तब मैं बोलूँगा। और दूसरा सर, जैसे हर घर में आपका घर का छत के ऊपर सर टेस्ट होता है पानी के लिए, 1000 लीटर का या 500 लीटर होता है सर, ऐसा चीज छत में सर टेस्ट ना हो कोई घर नहीं होता, नहीं होता है ना सर, पानी की टंकी होता है। तो आप चाहे किसी आदमी को भी उस टंकी में कितना पानी है देखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है ना सर, पड़ता है। उसके लिए सर फिर मैंने एक मेथड बनाया आपको, मैं बता दूं सर, आप जाके अपने घर में 5 मिनट में आप अपने घर को बना सकते हैं। जैसे फिर दिमागी जैसे सर, जैसे कि आप देखो सर, उस सेंटर में पानी है, उस सेंटर का पानी से सर एक छोटा पाइप आता है, वाटर लेवल वाला पाइप, आपको पता है ना सर, वाटर लेवल पाइप अगर आप 300 को खरीदेंगे तो 2 मीटर नीचे बहुत लंबा पाइप मिलता है। उस पाइप को सर आपका सेंटर से एक टी बनाकर वहां से उस पाइप को निकाल दिया, उस पाइप को आपने वहां से निकाला, निकालने के बाद आप तार की तरह आप जहाँ जिस जगह में अपने किचन में रखो या अपने किसी जगह में तार को घुमा के वहाँ तक किसको उस पाइप को लाने के बाद उस पाइप को फिर अगर वापस नहीं ले जाएंगे पानी गिर जाएगा, फिर उसको फिर उठाकर घर में घुमाने के बाद फिर उठाकर उसी हाइट में ले जाना, कौन सा हाइट में जहाँ पानी की टंकी है, तब तक नहीं गिरेगा नहीं तो पानी गिर जाएगा, फिर उसी हाइट में ले जाकर फिर उस हाइट के ऊपर से आप पानी तेल डालते हो, किसमें उस पाइप के अंदर, तेल और पानी अलग रहते हैं, तेल डालते डालते आप नीचे आपने बोर्ड बना रखा है, इधर बोर्ड बना रखा है, कहीं जैसा बना रखा है, बनाने के बाद उस पे आपने आपका टैंकी 500 लीटर का है, तो अब इधर से 500, 300, 200, 150 आपने लिखा, लिखने के बाद आपने उधर से तेल डाला तो तेल नीचे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, जब आपके 500 पे पहुंचा तो आपको तेल को ब्रेक करो, समझना, तेल को आपने ब्रेक किया, करने के बाद अब यहाँ पर अलग है तेल और पानी, है ना सर, पानी का कलर और अलग है, तेल का कलर अपना अलग है, तो रखने के बाद अब उसका आपका संतेश में पानी खत्म होते जाएंगे तो ये तेल नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर से तेल को नीचे आना है ना सर, जब ऊपर का पानी को नीचे आना है पानी की जगह पे तेल है, जब आपके संदेश में पानी कम होते जाएंगे तो ऊपर से तेल भी कम होते जाएंगे, तो ये तेल इस पानी को धक्का देते जाएंगे। आपको लगता रहे इतने लीटर अभी इतना 500 बताया चाह रहे हैं, ये वो ना, ये दिस इज अ फिनोमिना कि जो भी मतलब सेम प्रेशर पे मतलब सेम हाइट पे रहता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि आप जैसे सर ने बताया जब तक उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे वापस, जब तक वो सेम हाइट पे नहीं रहेगा वो, ठीक है, तो ये पूरा मतलब फिनोमेना साइंस का है सर, इसका मैं लो का नाम बोल रहा हूँ मैं, बट दिस इज अ लो फिजिक्स, लेकिन उसको देखो कैसे आप स्टील अप्लाई किया अपने जो नॉर्मल घर में बैठे बैठे किचन में, अच्छा इतना है अभी चला दो मोटर या नहीं चलाना जी, तो सर ये चीज मैंने अपनी जगह पे बना लिया। और दूसरा सर, मैंने कोशिश किया था सर लेकिन हो नहीं पाया, तो हमारे यहाँ पर फौज हर नाले में फौज बैठा है, हर नाले में फौज बैठा हुआ है, गैसों का मैंने एक बार बना दिया था, मैंने एक और जवाब चलाया, मैंने सोचा कि देखो बड़ा बड़ा जब दरिया आता है उसमें तो हजारों मेगावाट बिजली निकलता है, छोटा नाले में अगर लगाए तो किलोवाट निकल जाते हैं, तो मेरे ये पानी भी कुछ न कुछ काम करना चाहिए, कुछ हिसाब से सर अभी आप जाके देखो सर, इस इतना सा पानी में मैंने पावर हाउस बनाना शुरू किया, कब करने के बाद सर मेरा फर्स्ट ईयर मैं अपने घर के लिए बिजली दे, दूसरा साल सर मैंने पूरा गांव को बिजली दिया सर, अभी आप गाँव वाले, अच्छा आप आपने खुद बना के हमें बिजली गांव को दिया, पूरा गांव को सर अभी आप पूछ सकते हैं, तो पूरा गांव को हमने बिजली दिया था, कि एक पंचक्की बनाया, एक वॉशिंग मशीन भी बनाया उसकी पावर पे, तो ये बिजली देने के बाद सर मैं यहाँ पर आदमी के अंदर काई सुबह साहब को मैंने बता दिया था, जैसे हमारे व्यर्थों में फौजी रहते हैं वो भी नाले के अंदर रहते हैं, अब बहुत समय रहते हैं वहाँ पर भी नाले के अंदर रहते हैं, है ना, इसी तरीके से जैसे घोड़े में रहते हैं वहाँ पर भी नाले के अंदर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हर पोस्ट में हमें एक पावर हाउस बना,
नाले में पानी तो है ही है, हाँ जी, है वो पानी वो फ्लो कर ही रहा है, वो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वही की जो पोस्ट है उसपे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हो जाएगी वहीं के वहीं। उसके लिए इतना जो डीजल कैरी करना लाद के जाना वो मैंने कहा सर, मैंने कई बार मैंने कहा था, लेकिन जितना एक आदमी अच्छा सोचने की कोशिश करते है सर, उतना लोग बिगड़ने के भी पीछे पड़ा है ना सर। उसके लिए आप नेक अफसर को पावर नेक अफसर सच्चा अफसर आएगा तो ये काम करा सकता है। मैंने कई सीओ को कहा था, मैंने कहा सर इस तरीके से हम एक पावर हाउस बना लेंगे, लेक बनाने के बाद क्या होगा, आप उस यूनिट के लिए जैसे सब हमारे घोड़े में रहते हैं एक बटालियन रहते हैं, जैसो में एक बटालियन रहते हैं, तो अब एक बटालियन का पूरा बिजली फ्री रहा है ना सर, और एक बटालियन का पूरा बिजली रहा तो इतना कितना तेल का बचत होगा है ना सर। तो लेकिन हो नहीं पाया सर, मैं कोशिश तो मैंने किया था, ये मेरे जो दुकान थी ये मैं खोज निकाल लिया तो लेकिन हो नहीं पाया सर। अभी ये सर, आज भी जो बिजली गांव में बन रही है वो इसी से बन रही है आपके इसी से जो आज की बिजली है? नहीं आज उधर से आया सर। अच्छा नाले में जाता था सर, जब छोटे उम्र में 20-25 साल की उम्र में जब मैं नाले में जाता था तो नाले में तो लाइट नहीं होता सर, हम नाले में गए सर, तब मैंने पोस्ट में भी बनाया, एक पोस्ट में दिया था, तो मैंने ऐसे आइडिया लगाया सर। आपको नहीं देखा होगा एक साइकिल का ट्यूब आते है ना सर, जब हम पुराने जमाने में साइकिल चलाता था तो उस साइकिल के ऊपर एक डेमो लगाने के बाद जब साइकिल चलता था उसको लाइट देता था। यस हाँ हाँ चलता था ये देखा, यस हम देखा यस यस, तो वो आज जो होगा लाइट देता था। फिर मैंने सोचा यार ये साइकिल वाला ट्यूब हम लेकर नाले में क्यों ना जाए, जाने के बाद उस पाइप पर हम पंखा लगा देंगे, बिल्कुल वो पानी उस पंखे को घुमा देगा और उससे बिजली अपने आप बन जाएगी। और नाले तो मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल अगर एकदम टिपिकल विंटर छोड़ दो तो पूरा टाइम चलते ही है। मैंने उस तरीके से उस नाले में भी मैंने इस तरीके से एक पावर हाउस बनाया था सर, लेकिन मेरे सपोर्ट के लिए मतलब लोग तैयार नहीं है सर, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। इसी तरह आगे सर मैं हर कोई चीज अनोखा के लिए सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं सर, मैं इसी में हर वक्त सर मुझे फोन याद आते हैं क्यों आते हैं कि मेरे दिल में ये जो अच्छा सोच कहाँ से डाला है ना सर, जो अच्छा सोचने वाला सोच कहाँ से डाला, इस सोच के पे हमें सलाम करते हैं। मैं अपने आप को मैं सोचता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इसमें आप देख रहे हैं एक अनपढ़ स्कूल 5 दिन भी नहीं गया है सर, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बाकी तो इतना आदमी है तो ऑटोमेटिकली पढ़ा लिखा ही है, तो सिर्फ वो है कि एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट बहुत अच्छा सोच है, बड़ी टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली सोच है आपकी, तो जो लोग बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करते हैं, एक बंदा जो इंजीनियरिंग करता है किसी अलग ब्रांच में जाके जॉब करता है किसी बीपीओ में कहीं और, आप तो बिल्कुल इतना कुछ कर पा रहे हो तो बहुत ही सर। उसके बाद फिर मैंने ये हॉर्टिकल्चर की सर ज्यादा मेरे तवज्जो अभी हॉर्टिकल्चर पे है, कुमाऊं सर गढ़वाल एरिया में जाते हैं, हिमाचल में जाकर जहाँ पहाड़ों से एक अजीब सा पत्ता भी देखते हैं तो उस पत्ते को मैं ले करके यहाँ डालते हैं सर। इसी में सर अभी आप अंदर नहीं गए, अभी आप अंदर आएंगे तो अंदर आपको देखने को मिलेगा सर, जब मुझे राजनाथ सिंह साहब के थ्रू डिफेंस के थ्रू सर मुझे एक अवार्ड दे दिया हॉर्टिकल्चर में, और इस साल तो मुझे पूरा मुझे फर्स्ट अवार्ड दे दिया सर, हमारे कमांडर साहब से फर्स्ट में मुलाकात हुआ है तो फर्स्ट अवार्ड दे दिया सर इस साल DRDO की तरफ से, हर साल DRDO मुझे एक अवार्ड देते जाते हैं, तो बाकी सारे आपका एक स्टेट अवार्ड भी आता है, एक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी आता है, एक नेशनल अवार्ड भी आता है, तो मैंने कभी मैंने कहा अब मुझे किसी के अवार्ड नहीं चाहिए, मैं आज दिन में कभी अवार्ड में लूंगा, मेरे को बस डिफेंस का मैं बैठा था, मुझे बस यही राजनाथ सिंह साहब वालों मुझे अवार्ड काफ़ी है, बाकी मैं इसके सामने कोई भाई सिविल को मुझे अवार्ड नहीं देना चाहिए, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। प्यार है ना सर फौज के लिए, इतना डिफेंस के लिए जो प्यार है। हाँ सर, तो मैंने है ना सर, मैंने जब पिछले साल सर स्टेट अवार्ड के लिए भी लिखा था सर, एडवाइजर साहब ने भी लिखा था, फिर मेरे पास आया एक दिन मुझे बोला आप साइन करने के लिए, मुझे ऑफिस में बुलाया था और साइन करने के लिए जब आपके गार्डन का थोड़ा हमें दो चार फोटो दे, तो मैंने फोटो दे दिया, देने के बाद लास्ट में बोला आपको साइन करने, मैंने फिर एक शब्बीर साहब एक सेक्रेटरी साहब था उसके पास गया, उससे पूछा भाई ये क्या है, कि भाई आपको एक अवार्ड दे रहा है स्टेट अवार्ड दे रहा है इसके लिए। नहीं सर पता क्या है, आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए क्योंकि लोगों पर जो सोच है ना जो जाननी जानी चाहिए इसके थ्रू आता है, कई बार जब हम अवार्ड फंक्शन में जब हम कुछ दिखाते हैं एक ऐसे एग्जांपल हम सेट करते हैं तो ये एक तरह से सोच है,
जो आई थिंक इंडिया के हर कोने में, मतलब आप ही बोल दो कि जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, वो हर जगह, वो गुजरात से लेके अरुणाचल तक, ये सोच है जो जानी चाहिए। आई थिंक ये सोच इतनी सही सोच है और इसको फैलना बहुत जरूरी है। आपको बात तो देखनी है, अब हिमाचल की बात किया तो फिर मुझे याद आ रहा है, हिमाचल से एक सांसद भी था, एक बहुत बड़ा वकील भी था और एक बहुत बड़ा एक एनजीओ भी था, मतलब वो बहुत भी पहुंचा हुआ आदमी था, वो एक रिसर्चर भी था, वो यहाँ रिसर्च भी कर रहा था हिमालयन रीजन पर, बहुत बड़ा रिसर्चर था, उनके साथ एक बहुत बड़ा टीम होता है, वो यहाँ आया। आने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद हम हिमाचल का अंदर आपको मुझे लिख कर देंगे उस अवार्ड में आपके लिए, एक हिमाचली टोपी मिलेगा, एक हिमाचली शॉल देगा और 5-star होटल को फैसिलिटी देगा, आना जाने का खर्चा देगा और 51,000 रुपये आपको नोट देगा और पता नहीं हिमाचल, मैं ऐसे लिख कर देंगे, ऐसी चीज़ें आपको उस अवार्ड में आता है, आपको हम नाम पे अवार्ड दे रहे हैं आप। तो अब एक बार में उनको फ़ोन आया जब फंक्शन शुरू हुआ, फ़ोन आने के बाद मैंने बोला सर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको नाम पे अवार्ड करेंगे, अवार्ड नाम पे आप नहीं आएगा तो भी ज़रूरी नहीं है, हम आपको नाम पे रख सकते हैं। मैंने बोला सर प्लीज़ सर मेरे नाम पे नहीं रखना। तो बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों हो रहा है? मुझे मालूम है सर, आप मेरे घर पर आए, आपको मैंने एक कप चाय पिलाया, आपको वो चाय अच्छा लगा, इसलिए सर आपको मुझे मेरे नाम पे अवार्ड रखते हैं, आपको बहुत शुक्रिया है, लेकिन मैं खुद इस अवार्ड का काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ मैं इस अवार्ड का काबिल नहीं हूँ, इसलिए सर मैं नहीं हूँ। तो बोला मैंने देखा है आपसे बढ़ कर अवार्ड का काबिल कोई नहीं है, मैं पक्का रहता हूँ सर। उसके बाद मेरा प्रॉब्लम ये रहता है, मुझे ये सच नहीं था, मुझे प्रॉब्लम ये है जैसे आप मुझे नेशनल अवार्ड है, तुम्हारे मामले अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड जब मिलेंगे, मिलने के बाद अब दुनिया मेरे वहाँ गाड़ा देखने के लिए आने के बाद जितना वो लोग इमेज लेके आते हैं, इतना अवार्ड वाले के गार्डन में इतना होगा, ये होगा, वो होगा, फलान होगा, एक उमेज लेके आते हैं, लेकिन उस उमेज तक के लिए मेरे पास क्यों नहीं? आपको पता है जब आप हम वहाँ से मुड़ रहे थे और एक पूरा वो था कि जगह तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरा लद्दाख इतना सुंदर है, जहाँ देखो इतना व्यू है, लेकिन वो ना कहीं पहाड़ पे घास भी नहीं दिखता है और एकदम पूरा सब एकदम बैरन जैसा है, थोड़ा सा व्यू बहुत सुंदर है लेकिन हाइट भी इतना है, जैसे लाख आप उत्तराखंड हिमाचल में आते तो पूरा पेड़ों से भरा, आपने ऐसी जगह ला के और इतने तरह की वैरायटी लगा के तो बिल्कुल डिपेंड करते हैं। और दूसरा एक एरिया डिपेंड करता है, लाइक आपने एक ऐसे छोटे से खान गांव में जहाँ पे मतलब एक तरह देखा जाए तो नॉर्मल टूरिस्ट एक्सेस भी अभी मिला है, कितने साल में, हार्डली 3 साल से, 2-3 साल, हाँ कोविड के बाद से जितना टूरिस्ट एक्सेस मिला है, तो वो एक एक्सपोजर भी, क्योंकि अभी जो टूरिस्ट एक्सेस है तो जो लोकल बच्चा भी है वो भी देखता है कि यार लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि गाँव के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसी जगह में रह के इतना सब डेवलप करना, तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर और कोई नहीं उस चीज़ का जीवन। सर फिर मैंने क्या किया, मैंने मना किया कि नाराज हो गए साहब को कि आप मेरे अवार्ड को ठुकरा रहे हो। सर देखो मुझे एक चीज़ का डर है, आप नेशनल चैनल पर आएगा, टी वी पर आएगा, ये अवार्ड दिया है, ये है, वो है, फिर सब मेरे घर में देखने के लिए आएगा, तो घर में देखने के लिए कुछ नहीं। सर सब कुछ तो है, ये महल बना रखा है अपने आप, आप कैसे बातें कर रहे हो? फिर मेरी मेन तो आइडियोलॉजी है, मेन आपकी सोच है और जो आपने बनाया है ना वो है, इसको देख के जहाँ हम 5 मिनट की एंट्री मारने वाले थे अभी 2 घंटे हो गए होंगे शायद, रुकने का मन नहीं कर रहा है। नहीं सर अगर ऐसे, सर महात्मा गांधी जी ने आश्रम बनाया था एक, सर सर उस आश्रम में मिलने के लिए सारे लोग आते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां आते थे। सर ये आपने महल बना रखा है, सब दुनिया इसी महल को देखने आएगी सर। नहीं सर ये मतलब मेरा तो पर्सनल वो आपसे कि जो आपकी सोच है ना, ये सोच लोगों तक पहुंचने बहुत जरूरी है, और जैसे आप ये अवार्ड्स वगैरह कुछ भी लोगे तो इससे लोगों तक वो सोच पहुंचेगी। सर आज की डेट में सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है कि वो जैसे आज जब हमारा देश का युवा जब गलत कामों में जा रहा है, सर कितना गलत काम होता ही होता है ना, तो आपकी सोच से अगर सर कुछ लोग भी प्रभावित होकर देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे तो उससे बेहतरीन क्या हो गया सर? सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, ये सोच के बारे में आपको मैं 2-3 चीजें में प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, आप क्या दिखाएंगे सर? मैं आपको तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि मैंने एक यहाँ पर उदाहरण बनाया,
स्कूल के बच्चे बहुत लोग आते हैं यहाँ के, हमारे लद्दाख के, बल्कि आपको पंजाब को पीछे सर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे लोग आए थे पहले आए थे, उसके बाद उन्हीं का थ्रू बहुत सारे लोग आए, बोला हमें वहाँ आपसे मिलने के लिए कहा था, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग आए थे इस तरीके से सर। और उसके बाद सीनियर से कई यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग यहाँ आने के बाद यहाँ मिल के जाते हैं, तो मैं इनको एक दिखा देती हूँ सर दोनों को, जिसे ये स्ट्रक्चर बनाया, इसके थ्रू में लोगों को लद्दाख का क्या हिस्ट्री है सर, मैं ये आपको दिखाता हूँ सर। बाद आपने सही कहा सर, इसको हम दिखाएंगे, फिर हम आपको एक म्यूजियम है, म्यूजियम भी आप देख लो सर, देखने के बाद आप पता है या आप डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं या आप किताब लिख सकते हैं सर, आपका भी जवान है आपके साथ नहीं रहना, किसी दिन बुढ़ाते भी आएंगे बिल्कुल, अब इस बुढ़ाते में आपके लिए इतना मजा होगा, हमें वहाँ भी गया था, वहाँ का हिस्ट्री ये है, वहाँ ये लोग ये खाते हैं, इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ के लोगों का रस्म ये है, रिवाज ये है, जब आप यहाँ के लोगों से मिलेगा तब आप किताब में लिख सकते हैं सर। अभी सीधा आप आया टैक्सी पकड़ा बॉर्डर में गया एक फोटो खींचा वापस चला गया तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ सर, ये जवानी आपका मेहमान है, इस जवानी में अपने बुढ़ापे की तैयारी जवानी में ये करना होता है, वो तैयारी क्या है, आप नौबित लेके रखो जवानी में, जब आप चल सकते हैं, चलने के बाद एक पत्थर भी सर आप नहीं मानोगे, अभी कल अभी एक यहाँ पे बहुत बड़ा लेडीज, अभी आप तो नहीं था, हाँ आप लोग नहीं था, तो उससे पहले चला गया था, एक लेडीज आए सर, पता नहीं दिल्ली का पता नहीं जो भी है, अच्छा लेडीज था, वो यहाँ आया, आने के बाद इनके साथ मेरा जो मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक इंसाइक्लोपीडिया हो, आप एक यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने ये कहा, तो मैंने मेरे मामले तो नीचे मेरे पावर हाउस भी नहीं देखा, आप मेरे ग्रीन हाउस भी नहीं देखा, तब भी आप ये सारे चीज़ें आप कैसे कहते हैं, तो उस मैडम ने बोला नहीं मैं आपको गेट पूछते ही मैंने कह दिया, दो तीन चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। एक आदमी ने क्या किया सर, मैं आपको बता दूँ, एक आप जैसे एक आदमी था, सर्दी के मौसम था, वो यहाँ आया था, एक अफसर था, यहाँ आने के बाद उन्होंने सर जाते वक्त मुझे 2000 रुपये ज़बरदस्ती थमा दिया, सर मेहरबानी में पैसे नहीं देता हूँ, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, नहीं 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 ये आपको लेना पड़ेगा जी, अब मैंने बोले कौन से पैसा दे रहे हैं सर, आप किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं सर, तो बोला देखो मैंने आपको म्यूजियम दिया, तो मैंने बोला सर कहाँ देखा सर म्यूजियम को, तो ताला लगा हुआ था, वो भी ताला लगा हुआ था, इधर भी ताला लगा हुआ था, सर आपने मैंने म्यूजियम नहीं देखा, तो देखो गोवाली आपको तो सारे ज़मीन भी म्यूजियम है, बोला बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि आपका ये ज़मीन भी म्यूजियम है, वो क्यों मैं आपको बता दूँ, आपका देखो सीढ़ी पे पानी चलने वाला आज तक हमें कहीं नहीं देखा, दुनिया घुमा है लेकिन सीढ़ी से हर उस पे एक उधर अगर हर उस पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो पानी जिस तरह से आ रहा है ना सबको ऑटो में पानी मिल, और उसके बाद सर आपका ये कहीं नहीं देखा, जैसे सर अभी इसको मैंने आर्टिफिशियल बारिश बनाया सर, जो पानी चल रहा है ना सर चारों तरफ में, जैसे आपको जितना भी गर्मी आ जाए तो आप सीधा अंदर कुर्सी में बैठ जाएगा तो एक दफ आपको एक ठंड और रिलैक्स मिल जाएंगे, चारों तरफ से जो बारिश आ रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कहा आपको ये सारे चीजें कहीं हमने देखा ही नहीं है, तो इससे अच्छा म्यूजियम हमारे लिए क्या है, नहीं तो म्यूजियम में जाएगा तो टूटी फूटी दो बर्तन मिलेगा और क्या होता है ना सर, तो बस ये आप जैसों से सर मुझे हौसला मिलते हैं, तब मुझे आगे काम करने के दिल करते हैं सर, मन करते हैं, तो बस आपको आई थिंक दो सर दो पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको लद्दाख में हर कोई जानना चाहेगा, एक तो सोनू मांगजू स्वरम जी जिनका पूरा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ भी जाना जाता है, एक आप दोनों ने इतना अच्छा काम किया है सर, तो इनका एक अलग बैकग्राउंड है, वो इंजीनियरिंग किया है, सब NIT से गए हैं, अब तो मतलब लाइफ ही इतना टफ रहा, इतना इमोशनल रहा उसमें, इतनी नेशनलिज्म रहा और इतने हालात देखे, आई थिंक हर वॉर में आप यहाँ पे थे, हर उसमें आपने देखा इससे, और उसके बावजूद आप ऐसा पूरा टर्न लेके, मतलब एक तो इमोशनल कहानी होता है कि ठीक है आपका पैट्रियटिज्म है, तो उसके बाद अपनी लाइफ में इतना कुछ करके दिखाना, इतना नॉलेज थोड़ा टेक्नोलॉजी, आप अगर किसी को मैं पूरा एक्सपोजर दूँ आज के बच्चों को वो भी नहीं कर पाते इतना भी, तो उस वे में आई थिंक ये बहुत ही नॉलेजेबल टूर है, लेह लद्दाख के बारे में जानने के साथ साथ, मतलब बाल्टी कल्चर जानने के साथ साथ आप ये भी पूरा दिखा रहे हो कि भाई कैसे आप मतलब एजुकेशन में और कैसे आप इतना अच्छा कर सकते हो टेक्नोलॉजी का यूज करके, हॉर्टिकल्चर का यूज करके, और यू कैन यू नो मेंटेन द सी कॉफी, पानी की हर बूंद, तो उसको देखे तो पानी की हर बूंद का यूज है, पहले में यूज हुआ फिर दूसरे में आया तीसरे में आया और बाद में मतलब कुछ वेस्ट नहीं हुआ, तो इस तरीके से सर मैं हर किसी स्कूल के बच्चों को नहीं, ज़्यादातर सर में तो बीस फीस मिलता है, तो बच्चों हर स्कूल के यहाँ आते हैं सर, यहाँ आने के बाद इधर टीचर लोग देखता है, देखने के बाद फिर मैं इनको 5 मिनट में कहता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि
फर्स्ट मेरे भाषण में सबसे पहले अगर इंसान को कामयाब इंसान बनना है तो अपने लिए खर्चीदा खर्चा करने का आदत को कम करना। तो मैं एक मिसाल देते हैं कि सर मैं अरेली करता हूँ क्योंकि मैं जब दिल्ली चले जाते हैं सर मैं 100 रुपये में एक बेड मिलते हैं जिसको कुछ नाम कहते हैं, एक बड़ा हॉल में बेड लगाते हैं डोरमेट्री, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ डोरमेट्री घूम के जाते हैं। जाने के बाद वहाँ में एक चीज सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जब आप बताओ सर वहाँ जब हम 100 रुपये देते हैं 100-150 में मिलता है डोरमेट्री एक बेड मिलता है तो उस बेड को भी बढ़िया सा एक बेडशीट नया मिलता है वहाँ नहीं मिलेगा और एक तकिया भी आपको नहीं मिलेगा, एक कंबल भी नहीं मिलेगा और एक बेड भी आपको मिलेगा 100 रुपये इंसान को जमा में लगा। और आप 5,000 वाला 10,000 वाला होटल में जाएगा तो भी क्या मिलेगा, वही तीन चीजें आपको जरूरत है, वही तीन चीजें आपको वहाँ भी वही मिलेगा नीचे भी वही मिलेगा। लेकिन हम और आप कितना बेवकूफ़ है कि 100 रुपये की जगह में हमने 5,000 रुपया उस तकिया और कंबल और बेडशीट के लिए 5,000 राजकीट में रेस यही हो गया है कि आपको अपने शोशा भाई यहाँ दिखाना है और जो एक्चुअल वो सरब्रम नॉलेज उसको देते हैं ना कि दिमाग का जो एक इस्तेमाल आपकी जो नॉलेज है उसको शो नहीं करना है उस चीज में थोड़ा सा जी। तो एक चीज सर मैं कहते हैं, दूसरा सर प्यारे से बच्चों हर किसी को कहते हैं कि हमारे दिल को क्रीम लगाओ, दिल सही रखो है ना सर, ईमान से रखो, दिल सही रखो, इसकी क्रीम लगाओ तो हमें बाकी चेहरे की क्रीम लगाने की जरूरत है। तो एक आदमी सर 12 लाख के जिसने कपड़ा पहना है लेकिन असल में वो चोर है, क्या बोलेंगे सारा चोर ने कहा से कपड़ा पहन के यही बोलेंगे, यही बोलेगा। एक आदमी मेहनती आदमी है जिसने काम करने के बाद वहाँ पे वो इतना मेहनत करते हैं तब भी वो इतना प्रॉपर्टी के मालिक है तब भी यारी चीज़ yes. इसलिए मैं हर बच्चों को कहते हैं सर अपने दिल पे क्रीम लगाओ, सुबह से शाम तक मैंने आज किस और कितना गरीब को मदद किया, कितने बच्चे को मैंने मदद किया, किसी को मैंने एक अच्छा बात बोला है, ये सोच कर अपने घर में आ जाओ शाम तक, शाम को हिसाब ले लो अपने दिल से आज मैंने कितने को फायदा दिया। बस आपको क्रीम लगाने की जरूरत मन से अगर आप अच्छे हो तो तुम्हारी भी दिखावा सर। सर ये बहुत अच्छा लगा आपसे देखते हैं आपका एक बार हम वो देखने चलते हैं।